डॉक्टर अंशुमन सर। बच्चों आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत अच्छी ही चलनी चाहिए, है ना। देखो चैनल पर अपने चल रहा था सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज, एसएफआर सीरीज और सेट सीरीज, सुपर इजी ट्रिक्स टू रिमेंबर ऑल एग्जांपल्स। तो बच्चों आज अपन लेकर आए सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज में फर्स्ट चैप्टर जो है अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी का, वो अपन ने रिवाइज कर लिया था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सेकंड चैप्टर बच्चों ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो भी अपन ने रिवाइज कर लिया था। नेक्स्ट चैप्टर अपन बच्चों आज रिवाइज करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बच्चों ये चैप्टर बच्चों अपन को ग्रांटेड लेना ही है, क्योंकि इस चैप्टर से बच्चों 4 to 5 क्वेश्चंस कंपलसरी आते ही हैं, है ना। तो ग्रांटेड अपन को लेना ही है ये, मतलब 4 to 5 क्वेश्चंस मान लो मतलब 16 मार्क्स तो आपके यहाँ से पक्के होने चाहिए, है ना। तो अपन बच्चों आज रिवाइज करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ओके तो देखो बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर दिया गया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। देखो इसमें क्या बोला है बच्चों, जो न्यूरल सिस्टम होता है उसका काम बच्चों क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए वो अपना काम जल्दी खत्म कर लेता है ना। न्यूरल सिस्टम काम तो जल्दी करता है बट उसका काम बहुत कम टाइम के लिए होता है ना बच्चों। अब वो शॉर्ट लिव्ड क्यों होता है, यहाँ पे एक लाइन है देखो, शॉर्ट लिव्ड मतलब क्यों होता है, क्योंकि देखो बच्चों अपनी बॉडी के अंदर हर सेल्स को एक प्रॉपर और एक नॉन स्टॉप रेगुलेशन चाहिए, है ना। बॉडी के हर सेल्स को प्रॉपर और नॉन स्टॉप रेगुलेशन चाहिए, तो वो प्रॉपर और नॉन स्टॉप रेगुलेशन ये नहीं कर पाता न्यूरल सिस्टम, तो वो कौन करता है, That function is carried out by hormones. कौन करते हैं बच्चों वो function? Hormones. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूरल सिस्टम बच्चों क्या कर रहा है, जो न्यूरल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो नहीं जा पाते हैं सेल्स तक, ठीक है, उनकी जगह कौन वर्क कर रहा है बच्चों, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या कर रहा है, वो काम कंप्लीट कर रहा है, सेल्स तक प्रॉपर रेगुलेशन करवा रहा है, ठीक है। ये इसके अंदर लिखा गया है बच्चों, लाइन टू लाइन अपन पढ़ते हैं। देखो The neural coordination is fast but short-lived, जो अपन ने बोला, as the nerve fibers do not innervate all the cells of the body and the cellular function needs to be continuously regulated. जो भी cellular function होता है, वो क्या होते हैं बच्चों, उनको regulation चाहिए proper, continuous regulation चाहिए, but nerve fibers जो हैं बच्चों, वो नहीं कर पाते हैं ये काम, वो हर एक cells तक नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो that function is carried out by hormones. The neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological function of the body. जो neural system है बच्चों, है ना, और जो endocrine system है जिसके अंदर hormones आते हैं, ये दोनों साथ मिलके, है ना, साथ मिलके क्या कर रहे हैं बच्चों, अपनी body के physiological functions को regulate कर रहे हैं। Simple सा ये introduction है, कोई load नहीं लेना, ठीक है। अब अपन बच्चों start करते हैं endocrine glands and hormones. तो देखो endocrine gland, ये क्या होता है बच्चों, they are ductless gland. लिख लेते हैं अपन, दे आर डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। देखो जो भी इनके हार्मोन है, जो भी इन ग्लैंड्स के सिक्रेशन है, जो भी इनके हार्मोन्स हैं, वो डायरेक्टली सिक्रेटेड होंगे ब्लड के अंदर, इसके अंदर ब्लड के अंदर। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट्स एंड आर हेंस कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड, देयर सिक्रेशन आर कॉल्ड हार्मोन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना। इनके सीक्रेशन को क्या बोलेंगे बच्चों, हार्मोन। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स एज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन्स। शॉर्ट फॉर्म में इसको बताते हैं अपन, देखो क्या बोल रहा है ये, ये जो ग्लैंड है, ठीक है, और टारगेट ऑर्गन है, ठीक है, ये है बच्चों टारगेट ऑर्गन। अब अपन ने बोला था फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही हार्मोन ये वर्क कर रहा है ना, कौन कर रहा है, हार्मोन। अब हार्मोन कैसे जाएगा बच्चों, ब्लड के थ्रू, इसके थ्रू ब्लड के थ्रू, और उस ब्लड क्या होते हैं बच्चों, दे आर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, हार्मोन्स, क्या प्रेजेंट है, तो ये हार्मोन्स कहाँ चल जाएंगे, टारगेट ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, किसके हेल्प से, ब्लड के हेल्प से। तो ये सिंपल शॉर्ट फॉर्म है जो यहाँ पे बोली गई है, क्लासिकल डेफिनेशन, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ से। और इन्हीं ग्लैंड्स के सीक्रेशन को अपन ने बोला बच्चों हार्मोन्स, ठीक है, इन्हीं ग्लैंड के सीक्रेशन को अपन ने क्या बोल दिया बच्चों, हार्मोन्स। अब यहाँ पे इन्होंने साइंटिफिक डेफिनेशन दे रखी, क्लासिकल डेफिनेशन तो अपन ने देखी ली, है ना, साइंटिफिक डेफिनेशन इन्होंने क्या दे रखी है बच्चों, देखो पहले रीड कर लेते हैं, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स। अब नॉन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बच्चों, देखो अपनी बॉडी के अंदर फैट और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो एनर्जी के सोर्स है, अपने डाइजेशन में देखा था, अपने देखा था ना एक कैलोरीफिक वैल्यू आई थी, उसके अंदर क्या था, 1 ग्राम फैट को अगर बर्न करते हैं तो कितना एनर्जी रिलीज होता है, 9 किलो कैलोरीज उनको मिलती है, ठीक है। तो वैसे ही देखो
फैट और प्रोटीन क्या है, एनर्जी के सोर्स है। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक, इन एनर्जी सोर्स की डेफिशिएंसी हो गई, कमी आ गई, तो जो हॉर्मोन्स है वो दे कैन नॉट यूज एज एनर्जी सोर्स, अपन उन हॉर्मोन्स को एनर्जी सोर्स की तरह यूज नहीं कर सकते, तो सो दे आर नॉन न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे नॉन न्यूट्रिएंट्स का मतलब यही है कि हॉर्मोन्स को अपन एनर्जी सोर्स की तरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दे आर केमिकल्स, मीन्स रसायन है, ये केमिकल, ठीक है। विच एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर, मीन्स सेल टू सेल ये ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, क्या बच्चों, हॉर्मोन्स, ठीक है। अब न्यू डेफिनेशन जो है, अब देखो इन 5 लाइन के अंदर इन्होंने कितना सारा समझा दिया एनसीईआरटी ने, वो अपन समझेंगे कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स, कितने टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं बच्चों, देखो 4 टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, अपन ये पहले से ब्लैंक पेज पे लिख लिया बच्चों, ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो, है ना, अपन क्योंकि यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। तो देखो टाइप ऑफ हॉर्मोन्स एनसीईआरटी ने नहीं दिया गया है, ये अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। टाइप ऑफ हॉर्मोन्स कितने, 4 टाइप ऑफ हॉर्मोन्स है बच्चों, पेप्टाइड हॉर्मोन्स, है ना, स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स, बायोजेनिक अमाइन्स एंड बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब देखते हैं अपन इनके किससे बने हुए हैं, ये देखो पेप्टाइड हॉर्मोन्स जो, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, किसके बने हुए बच्चों, प्रोटीन्स के, है ना। और प्रोटीन्स किसके बने हुए बच्चों, अमीनो एसिड, सिंपल है, प्रोटीन किसके बने हुए हैं, अमीनो एसिड के, है ना। और अमीनो एसिड क्या है बच्चों, दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, क्या है, दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मीन्स दे आर वाटर सॉल्यूबल, ठीक है, क्या है ये, वाटर सॉल्यूबल है ना। लेकिन अब देखो यहाँ ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम लिख लेते हैं, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है बच्चों, ये लिपिड से। और लिपिड क्या है बच्चों, हाइड्रोफोबिक, लिपिड क्या है, हाइड्रोफोबिक। पेप्टाइड हॉर्मोन्स तो क्या थे बच्चों, वाटर सॉल्युबल है, हाइड्रोफिलिक है नेचर में, और जो लिपिड है वो हाइड्रोफोबिक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे बच्चों प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स, क्या प्रेजेंट होते हैं, अपन बना लेते हैं इसको, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स, ये क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स, ये बच्चों इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि जो पेप्टाइड हॉर्मोन्स है, जो प्रोटीनिशियस हॉर्मोन्स है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मान लो ये हार्मोन है पेप्टाइड हार्मोन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि दे आर वाटर सॉल्युबल, है ना, दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और लिपिड क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, लिख लो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ठीक है, समझ गए। देखो जितने भी आपके वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं ये चारों अपन अभी डिस्कस करेंगे एक एक, ठीक है। तो जितने भी वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स होते हैं बच्चों, उन सब में मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज वो जो हॉर्मोन्स है वो क्रॉस नहीं कर पाते प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। अब देखो वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं, इंसुलिन, ये क्या करता है बच्चों, ये अपनी बॉडी में शुगर को कम करता है, क्या करता है, ये इंसुलिन एक वाटर सोल्यूबल हार्मोन है जो अपनी बॉडी के अंदर शुगर को कम करने का काम करता है ना। इंसुलिन इसको अपन ने बोला है बच्चों क्या, दे आर हाइपोग्लाइसेमिक, क्या बोला है, हाइपो ग्लाइसेमिक, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक। एंड दे आर मेड अप ऑफ 51 अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड से बना हुआ बच्चों, 51 अमीनो एसिड, ठीक है। अब ग्लूकागोन नेक्स्ट वाटर सोल्यूबल हार्मोन, इंसुलिन का अपोजिट है ग्लूकागोन, ये क्या करता है बच्चों, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा देता है, क्या करता है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा देता है। इंसुलिन तो क्या कर रहा था, कम करने का काम कर रहा था, और ग्लूकागोन क्या कर रहा है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा रहा है, तो दे आर हाइपर ग्लाइसेमिक, ये क्या हुआ बच्चों, हाइपर ग्लाइसेमिक, ठीक है। नेक्स्ट वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन है बच्चों ऑक्सीटोसिन, कौन सा है, ऑक्सीटोसिन, ये क्या करेगा, जो यूटेराइन मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स, ठीक है। जब भी डिलीवरी होती है बच्चों की, ठीक है, जब भी डिलीवरी हुई बर्थ के टाइम, ये क्या करेगा, यूटेराइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेगा, कौन सा हॉर्मोन बच्चों, ऑक्सीटोसिन। एंड नेक्स्ट जो है एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन,
ये क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन, लिख लो यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक। तो ये जो हॉर्मोन्स है बच्चों, ये कौन से हॉर्मोन्स है, तैयार प्रोटीनिशियस हॉर्मोन्स, ठीक है। और भी है, अपन आगे डिस्कस करते चलेंगे, अभी सिर्फ ये याद रख लो कि ये क्या है बच्चों, प्रोटीनिशियस हॉर्मोन्स है ना। और ये जो हॉर्मोन्स होते हैं बच्चों, दे आर वाटर सॉल्युबल, बट जो लिपिड होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो ये जो हॉर्मोन्स है बच्चों, ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के थ्रू उनकी हेल्प से सेल के अंदर आएंगे, है ना, डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर पाते प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इतना याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट जो हॉर्मोन है बच्चों वो है स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स, कौन से स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स, दे आर मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, आई होप आप सबको पता होगा, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है बच्चों लीवर के अंदर, लिख लो। देखो बच्चों साथ के साथ नोट करोगे ना तभी स्टोर रहेगा माइंड, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन लीवर, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बनता है बच्चों एसिटिक एसिड से, लिख लेते हैं, किससे मिलके बनता है बच्चों, एसिटिक एसिड। अब ये एसिटिक एसिड से मिलके बना है, सो दे आर फैट सॉल्युबल इन नेचर, क्या होंगे ये, दे आर फैट सॉल्युबल इन नेचर, ठीक है बच्चों। अब देखो इसके अंदर अपन ने कैसे देखा था, ये देखो ये है क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये बाहर क्या है, ये मान लो स्टीरॉयडल हॉर्मोन, ये क्या है बच्चों, स्टीरॉयडल हॉर्मोन है ना। लिपिड क्या होती है अपनी, दे आर वाटर इनसॉल्युबल, दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। अब ये जो स्टीरॉयडल हॉर्मोन होता है बच्चों, ये तो क्या होता है, फैट सॉल्युबल इन नेचर के अंदर। तो इसका रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट होगा, इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा बच्चों साइटोप्लाज्म, कहां प्रेजेंट होगा, ये क्या है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इसका रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है बच्चों, साइटोप्लाज्म में। तो क्या हुआ, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, क्या हुआ, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, क्या है ये, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ठीक है। जो स्टीरॉयडल हार्मोन है इसका रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म के अंदर, बिकॉज दे आर फैट सॉल्युबल इन नेचर। तो क्या बोला उस रिसेप्टर को, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। तो ये तो क्रॉस कर जाएगा बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, है ना, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया, ठीक है। अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, साइटोप्लाज्म रिसेप्टर, ठीक है। कौन कौन से फैट सॉल्युबल होते हैं हॉर्मोन्स, कौन कौन से स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, एस्ट्रोजन, ये क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के जो होते हैं फीमेल्स उनको कंट्रोल करता है, क्या करता है, लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, ठीक है। और मेल्स के अंदर कौन कंट्रोल करता है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फीमेल्स के अंदर तो एस्ट्रोजन कंट्रोल कर रहा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, और मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल कर रहा है। प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल द प्रेगनेंसी इन फीमेल, क्या कर रहा है बच्चों, प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर रहा है, उस टाइम सीक्रेट होता है ये हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा हार्मोन है, कॉर्टिसोल, ये क्या कर रहा है बच्चों, ये सीक्रेट होता है अपना ड्यूरिंग स्ट्रेस, जब भी अपन को टेंशन हो जाती है कि नीट एग्जाम आ रहा है भाई, बहुत टेंशन हो रही है, तो उस टाइम कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है बच्चों, कॉर्टिसोल, लिख लेते हैं, सीक्रेटेड ड्यूरिंग स्ट्रेस, ये है सारे स्टीरॉयडल हार्मोन है ना बच्चों। नेक्स्ट कौन सा है, एल्डोस्टेरोन, ये वर्क करता है आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स नेफ्रॉन्स के अंदर जो होती है, ये वहां पर वर्क करता है बच्चों, ठीक है, वर्क ऑन डीसीटी, ठीक है, इतना याद रखो बच्चों, ठीक है। ये सारे स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन, ठीक है। इनके अंदर रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होता है, पर्टिकुलर उस स्टीरॉयडल हार्मोन का, साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको क्या बोला है, रिसेप्टर को, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ठीक है। और दे आर फैट सॉल्युबल इन नेचर। नेक्स्ट आते हैं बच्चों बायोजेनिक अमाइंस। अब देखो ये वो हार्मोन्स हैं जो मॉडिफाई अमीनो एसिड और एक्ट करते हैं हार्मोन्स की तरह, ठीक है। बायोजेनिक अमाइंस क्या है बच्चों, ये वो हार्मोन्स हैं जो मॉडिफाइड अमीनो एसिड है, ठीक है, मॉडिफाइड अमीनो एसिड है और एक्ट कर रहे हैं एज हार्मोन्स, एक्ट एज हार्मोन्स, ठीक है। अब देखो एग्जांपल क्या है इसका, टायरोसिन, देखो टायरोसिन बच्चों क्या है, दे आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, क्या है ये, नॉन एसेंशियल
अमीनो एसिड। अब ये नॉन एसेंशियल क्यों है? क्योंकि ये अपनी बॉडी खुद बना रही है। ये जो है बच्चों हार्मोन, ये अपनी बॉडी के अंदर खुद बन रहा है ना। कैसे बन रहा है ये? क्योंकि अपनी बॉडी के पास है बच्चों फिनाइल एलेनिन। क्या है अपनी बॉडी के अंदर? यहां लिखता हूं मैं, अपनी बॉडी के अंदर है बच्चों फिनाइल एलेनिन, है ना। इसलिए क्या है, टायरोसिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो फिनाइल एलेनिन क्या है बच्चों? दे आर एसेंशियल अमीनो एसिड, है ना। अब टायरोसिन अपनी बॉडी के अंदर खुद बन रहा है। अब खुद कैसे बन लेता है बच्चों? ये खुद कैसे बन जाता है? क्योंकि बॉडी के पास है फिनाइल एलेनिन, ये कन्वर्ट करेगा बच्चों। फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट हो जाएगा टायरोसिन के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये? टायरोसिन के अंदर। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में बच्चों जो फिनाइल एलेनिन है, जो अपनी बॉडी के अंदर है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा टायरोसिन में, ठीक है। इसलिए टायरोसिन को नॉन एसेंशियल बोला है, ये अपनी बॉडी खुद बना लेती है ना। अब देखो, अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज का सिंथेसिस नहीं होता है, अगर इसका सिंथेसिस नहीं हुआ, तो इट कॉज्ड फिनाइल कीटोन यूरिया। क्या हो जाएगा? फिनाइल कीटोन यूरिया। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? सिंथेसिस नहीं हो पाता फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज का, तो टायरोसिन का फॉर्मेशन नहीं होगा अपनी बॉडी के अंदर, है ना। तो फिनाइल एलेनिन तो एसेंशियल अमीनो एसिड हो गया, है ना बच्चों। देखो, टायरोसिन बच्चों प्रोड्यूस करता है पिगमेंट, कौन सा? मेलेनिन। कौन सा पिगमेंट प्रोड्यूस करता है? मेलेनिन। ये क्या है बच्चों? स्किन पिगमेंट। क्या है? स्किन पिगमेंट, है ना। और प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों क्या? कैटेकोल अमाइन। देखो लिख लेते हैं अपन, कैटेकोल अमाइन, ठीक है। ये क्या होते हैं? कौन से हॉर्मोन आएंगे? एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन एंड डोपामिन। डोपामिन जो अपने खुशी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना, हैप्पीनेस। लिख लें यहां पर एड्रेनालिन, है ना, नॉन एड्रेनालिन एंड डोपामिन, जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? अपनी हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। ये मुझे बना लो। डोपामीन होता है बच्चों न्यूरो हॉर्मोन्स। अब इनको न्यूरो हॉर्मोन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ड्यूअल फंक्शन होते हैं। इस हॉर्मोन के ड्यूअल फंक्शन होते हैं। दे एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज हॉर्मोन, ठीक है। दे एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज हॉर्मोन। इसलिए अपन डोपामीन को क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूरो हॉर्मोन। समझ गए यहां तक? देखो, टायरोसिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है ना। नॉन एसेंशियल क्यों है? क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर ये खुद बना लेता है। कैसे बना लेता है? फिनाइल एलेनिन की हेल्प से। फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन के अंदर विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। अगर इस एंजाइम का सिंथेसिस नहीं होता है, देन इट लीड्स टू फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। अगर इसका सिंथेसिस नहीं होता है तो इट कॉज फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। टायरोसिन बच्चों प्रोड्यूस करता है पिगमेंट मेलेनिन, स्किन पिगमेंट है ना। प्रोड्यूस करता है एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन एंड डोपामिन, जो रेस्पॉन्सिबल होता है अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। और टायरोसिन बच्चों देखो प्रोड्यूस करेगा थायराइड हार्मोन। किसको? थायराइड हार्मोन। अब थायराइड हार्मोन बनने के लिए टायरोसिन को चाहिए बच्चों आयोडीन। क्या चाहिए? आयोडीन। देखो, टायरोसिन को चाहिए बच्चों आयोडीन। क्या चाहिए? आयोडीन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। जब टायरोसिन किसके साथ चिपक जाएगा? आयोडीन के साथ चिपक जाएगा। और क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा भाई? थायराइड हार्मोन। क्या बन जाएगा? थायराइड हार्मोन, है ना। थायराइड हार्मोन बन गया। अपने पास स्पेस है क्या बच्चों ऊपर? नहीं है ना, अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो यहां पर अपन लिख लेते हैं थायराइड हार्मोन, ठीक है। कैसे बना? टायरोसिन चिपक गया आयोडीन के साथ, बन गया थायराइड हार्मोन, ठीक है। इसलिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब थायराइड हार्मोन बन गया, ठीक है। अब आयोडीन इसके अंदर रिक्वायरमेंट है। आयोडीन के वजह से इस थायराइड हार्मोन का नेचर कैसा हो जाएगा? फैट सोल्यूबल। कैसा नेचर हो जाएगा? यार फैट सोल्यूबल ही नेचर। किसके वजह से हुआ? आयोडीन की वजह से, फैट सोल्यूबल इन नेचर। अब ये फैट सोल्यूबल है नेचर के अंदर, ठीक है।
तो इसका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में कहाँ मिलेगा? तो इसका रिसेप्टर कहाँ मिलेगा बच्चों? साइटोप्लाज्म में मिलेगा, दैट मीन्स इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, है ना? कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म के अंदर उनके रिसेप्टर, सो दे आर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ओके भाई, देखो थायराइड हार्मोन बना है ना, इसके अंदर आयोडीन के साथ चिपका टायरोसिन, आयोडीन की वजह से क्या होगा, ये जो हार्मोन है इसका नेचर हो जाएगा फैट सोल्युबल। फैट सोल्युबल अपने देखा था, फैट सोल्युबल हार्मोन्स के रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में, दैट मींस दे आर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, है ना? देखो थायराइड हार्मोन्स के एग्जांपल क्या है बच्चों? T3 एंड T4। अब आपको पता है घर के अंदर जो सबसे छोटा जो होता है भाई या बहन, उससे सबसे ज्यादा काम करवाते हैं, है ना? तो जो T3 है दे आर मोर पोटेंट इन एक्शन, यहाँ पे लिख लो मोर पोटेंट इन एक्शन। अब पोटेंट का मतलब क्या होता है? देखो पोटेंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा काम करने योग्य, क्या होता है? सबसे ज्यादा काम करने योग्य कौन सा हार्मोन है? T3, ठीक है, थायराइड हार्मोन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आता है क्या? ट्रिप्टोफैन, ये अपन अभी टायरोसिन के अंदर ही देख लेते हैं, है ना? नेक्स्ट आता है बच्चों ट्रिप्टोफैन। अब ट्रिप्टोफैन बच्चों दे आर एसेंशियल अमीनो एसिड, ये क्या है? अपने एसेंशियल अमीनो एसिड है। टायरोसिन तो नॉन एसेंशियल थे, अपनी बॉडी के अंदर अपने आप बनते ही, है ना? दे आर एसेंशियल अमीनो एसिड प्लस दे आर एरोमेटिक अमीनो एसिड, मीन्स खुशबू देगा ये, है ना? खुशबू के लिए रेस्पॉन्सिबल है एज वेल एज एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है? तो ट्रिप्टोफैन क्या है बच्चों? दे आर एसेंशियल अमीनो एसिड एज वेल एज दे आर एरोमेटिक अमीनो एसिड, है ना? अब ट्रिप्टोफैन से जो हार्मोन बनेगा बच्चों वो है एक तो अपने मेलाटोनिन, क्या है ऊपर लिख लिया अपन, यहाँ पे लिख लेते, चलो कौन से हार्मोन बनेंगे ट्रिप्टोफैन से? मेलाटोनिन, है ना? और मेलाटोनिन क्या करता है बच्चों? ये अपने रेगुलेट करता है स्लीप और अवेक साइकिल, अपन को कब उठना है कब जागना है, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बच्चों मेलाटोनिन, ठीक है? लिख लें यहाँ पे रेगुलेट बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है? आई होप बच्चों आप भी नोट डाउन कर रहे होंगे, है ना? और एक और हार्मोन बच्चों इससे बनता है ट्रिप्टोफैन से, कौन सा? सीरोटोनिन, कौन सा? सीरोटोनिन, ठीक है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है मतलब जैसे जैसे अपन कुछ खाना खाया अपन ने पेट भर के, तो अपन को नींद आने लग जाती है ना, वो नींद किसकी वजह से आ रही है? कौन रेस्पॉन्सिबल है वहां पे? सीरोटोनिन, ठीक है? लिख लेते हैं यहाँ पे स्लीपिंग, जब भी कुछ खाना खाते हैं उस टाइम अपन को नींद आने लग जाती है, उसके बाद तो वो हॉर्मोन आ रहा है ट्रिप्टोफेन से, कौन बना रहा है उस हॉर्मोन को? ट्रिप्टोफेन, और ट्रिप्टोफेन क्या है बच्चों? बायोजेनिक अमाइन, ठीक है? नेक्स्ट है बच्चों हिस्टिडीन, दे आर सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, क्या है ये? सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल। देखो एनसीईआरटी ने वो पांच लाइन जो थी ना बच्चों वो कॉन्सेप्चुअली अपन यहाँ पे समझ रहे हैं, है ना? हिस्टिडीन क्या है बच्चों? सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, इससे बनते हैं बच्चों हिस्टामिन, क्या बनेगा इससे? हिस्टामिन, हिस्टामिन हार्मोन बनेगा, ठीक है? जो एक्ट करता है बच्चों वैसोडाइलेटर की तरह, दे एक्ट एज वैसोडाइलेटर, कौन? हिस्टामिन, हिस्टामिन एक्ट एज वैसोडाइलेटर, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों? ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर लो, ठीक है? तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन सा हार्मोन? हिस्टामिन, ठीक है? कहाँ से आया? हिस्टाडिन से, और हिस्टाडिन क्या है? बायोजेनिक अमाइंस, तो ये हो गई बच्चों बायोजेनिक अमाइंस में, ठीक है? आई होप बच्चों आप भी नोट डाउन कर रहे होंगे ये चीजें, ठीक है? अपने यहाँ पे स्पेस का इश्यू है बच्चों, इसलिए अपन को यहीं पर ही सब एडजस्ट करना पड़ रहा है ना, बिकॉज अपन तो रिविजन कर रहे हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट है बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन्स, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल होंगे? देखो FSH पॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH है ना, एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये तीनों क्या है बच्चों? ग्लाइकोप्रोटीन्स, दे आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स, ठीक है? तो ये इससे मिलकर बनते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से मिलकर बनते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके बच्चों देखो, अब देखो भाई ये अब पढ़ोगे ना आपको आराम से समझ में आ जाएगा, है ना? पर थोड़ा सा उड़ गए एनसीईआरटी के, बट वो बहुत जरूरी है, थोड़ा सा बाहर जाना भी बहुत जरूरी होता है ना? जैसे थोड़ा सा घर के बाहर निकलते तो अच्छा लगता है ना, जैसे थोड़ा सा अगर एनसीईआरटी से बाहर चल गए
और वो जरूरी भी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज जरूरी भी है ना बच्चों। तो ये अपन ने चारों हॉर्मोन्स देख लिए और इनके एग्जाम्पल्स देख लिए, है ना। अब आते हैं बच्चों अपन ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, अपन आते हैं बच्चों ब्रेन का ओरिजन कैसा होता है, एक्टोडर्मल होता है। अपन पहले आ जाते हैं बच्चों ओरिजन के ऊपर, कौन कौन से कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, है ना, एक्टोडर्मल मेसोडर्मल एंडोडर्मल वही है। तो ब्रेन का ओरिजिन कहाँ से होता है बच्चों, दे आर एक्टोडर्मल, है ना। तो इसके आसपास की जो भी ग्लैंड्स होगी वो होगी एक्टोडर्मल। अब इसके आसपास ब्रेन के आसपास कौन सी ग्लैंड्स है, देखो हाइपोथैलेमस, ये क्या है, एक्टोडर्मल, ठीक है, पीनल ग्लैंड, ये क्या है, एक्टोडर्मल, ठीक है। ब्रेन के आसपास जो भी ग्लैंड है वो सारी एक्टोडर्मल है। पिट्यूटरी क्या है, एक्टोडर्मल, ठीक है। अब थायरॉइड एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये है बच्चों आपके एंडोडर्मल इन ओरिजिन, लिख लें आप भी लिख लो बच्चों साथ के साथ, एनसीईआरटी को पूरी भर दो, है ना। और थाइमस क्या है और पैनक्रियास क्या है, दे आर एंडोडर्मल, है ना, इन ओरिजिन एंडोडर्मल। पैनक्रियास में क्या है बच्चों, एंडोडर्मल इन ओरिजिन, है ना। अब एड्रिनल ग्लैंड देखो, इसके अंदर टू टू पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट और इनर पार्ट, ठीक है। आउटर पार्ट को बोला है बच्चों कॉर्टेक्स, क्या बोला है, कॉर्टेक्स। और इनर पार्ट को क्या बोला है बच्चों, मेडुला, क्या बोला है, मेडुला, यहां लिख लो इनर आई और आउटर का ओ, ठीक है। तो आउटर पार्ट बोला है बच्चों कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को बोला है मेडुला। इनके ओरिजिन देखो, कॉर्टेक्स का ओरिजिन है बच्चों मेसोडर्मल, क्या ओरिजिन है, मेसोडर्मल, लिख लेते हैं मेसोडर्मल इन ओरिजिन, है ना। और मेडुला का क्या है बच्चों, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, कैसा, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। अब इसको कैसे याद रखेंगे देखो, मैं एक याद रख लो, मेडुला वाला याद रख लेते हैं, चलो एम फॉर मेडुला एंड ई इज फॉर एक्टोडर्मल, ई इज फॉर एक्टोडर्मल। तो क्या है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। एड्रिनल के अंदर टू पार्ट्स है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। कॉर्टेक्स का ओरिजिन है बच्चों मेसोडर्मल, और मेडुला का ओरिजिन है जो इनर पार्ट है उसका ओरिजिन है एक्टोडर्मल, ठीक है। टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल, इनका जो ओरिजिन है बच्चों मेसोडर्मल है, क्या है, यहां लिख लेते हैं चलो मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है, दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। नेक्स्ट बच्चों, ठीक है, अब देखो वही चीज यहां पर लिखी गई है, द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हॉर्मोन्स प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, ये अपने देख लिया है। अब कौन कौन सी ग्लैंड है बच्चों, पिट्यूटरी, पीनल, थायरॉइड, एड्रिनल, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, पैनक्रियास, पैराथायरॉइड, थाइमस एंड गोनाड्स, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल्स आर द ऑर्गनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी, ठीक है। इन एडिशन ऑफ दीस सम अदर ग्लैंड्स, इन एडिशन ऑफ दीस सम अदर ऑर्गन्स, एग्जाम्पल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ की जितनी भी ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जितनी भी ग्लैंड है वो क्या होगी बच्चों, एक्सोक्राइन होगी। क्योंकि एक्सोक्राइन क्यों होगी, अब क्योंकि डक्ट्स, इनके पास क्या है, डक्ट्स है, ठीक है। जैसे लिवर डक्ट्स होती है ना, हिपेटिक डक्ट, वो सारी डक्ट्स अपन ने देखी बच्चों, किडनी और, ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये भी प्रोड्यूस करती बच्चों हॉर्मोन्स, है ना, यही चीज यहाँ पर लिखी गई। तो याद रखो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जितनी भी ग्लैंड्स है वो सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, बिकॉज दे हैव डक्ट्स, कौन कौन सी होगी, लिवर, पैनक्रियास और किडनी, ठीक है, ओके बच्चों। अब बच्चों आता है हाइपोथैलेमस, अब एक एक ग्लैंड अपन डिस्कस करते चलेंगे और उनके हॉर्मोन्स, कौन कौन से हॉर्मोन सीक्रेट होते हैं उस ग्लैंड से, ठीक है। तो जो हाइपोथैलेमस है वो क्या है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है, अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है वो, यहाँ पे फिर लिख लेते हैं अपन, दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। और उसकी लोकेशन क्या है बच्चों, दे आर प्रेजेंट ऑन द बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफेलोन, बेसल पार्ट मतलब नीचे की साइड, और डाइसेफेलोन किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, वही यहाँ पर लिखा गया है, द हाइपोथैलेमस इज बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफेलोन फोर ब्रेन, डाइसेफेलोन पार्ट है फोर ब्रेन का, ठीक है, उसके बेस पे, उसके नीचे प्रेजेंट होती है बच्चों क्या, हाइपोथैलेमस, एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। अब देखो क्या कर रहा है, अपनी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई व्हिच प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। अब न्यूक्लियाई क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इनसाइड सीएनएस, क्या होता है न्यूक्लियाई,
ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इनसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, एक ग्रुप ऑफ सेल बॉडी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है उसको बोला है बच्चों न्यूक्लियाई। ठीक है, जब न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स का गुच्छा बन जाता है, ठीक है, जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स का गुच्छा बन गया तो उस गुच्छे को बोला है बच्चों न्यूक्लियाई। ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है हॉर्मोन। ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, हॉर्मोन। अब कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे, देखो यहाँ पे टू टाइप्स के हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस, एक तो रिलीजिंग हॉर्मोन और एक इनहिबिटिंग हॉर्मोन। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस। कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, टू टाइप्स के हैं बच्चों, है ना, रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब रिलीजिंग हार्मोन के अंदर क्या क्या आएंगे, देखो गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज सोमेटोक्राइनिन। क्या बोलेंगे, दे आर ऑल्सो नोन एज सोमेटोक्राइनिन, सोमेटोक्राइनिन। सोमेटो मीन्स बॉडी सेल्स एंड क्राइनिन मीन्स सिक्रीशन, लिख लेते हैं अपन यहां पे, सोमेटो मीन्स बॉडी सेल्स एंड क्राइनिन मीन्स सिक्रीशन। ठीक है, ये अपन देख रहे हैं बच्चों रिलीजिंग हॉर्मोन्स अभी, है ना, इसके बाद इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स देखेंगे। ठीक है, तो गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हॉर्मोन GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हॉर्मोन आल्सो नोन एज सोमेटोक्राइनिन। नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हॉर्मोन, कौन सा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हॉर्मोन RH लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज मेलानोसाइट रिलीजिंग हॉर्मोन, मेलानोसाइट रिलीजिंग। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा रिलीजिंग हार्मोन है, थायरॉइड ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कौन सा, थायरॉइड ट्रोपिन, थायरॉइड ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH। ठीक है, इनकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख लो, TRH, MRH, PRH। ठीक है, नेक्स्ट रिलीजिंग हार्मोन है बच्चों कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कौन सा, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH। ठीक, तो ये है सारे बच्चों रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं। और इनहिबिटिंग हार्मोन्स कौन से हैं, देखो इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन्स कौन से हुए, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ऐसे लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन एंड मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, ये सारे बच्चों इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑल्सो नोन एज सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, जैसे अपन ने सोमेटोक्राइनिन बोला किसको, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, क्या बोला, सोमेटोक्राइनिन, वैसे ही ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को क्या बोलेंगे, सोमेटोस्टैटिन। और जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है बच्चों वो क्या होते हैं, डोपामाइन, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी खुशी के लिए। ठीक है, हैप्पीनेस, ऑलवेज हैप्पी। ठीक है बच्चों, तो ये दो हार्मोन से रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके हाइपोथैलेमस से, वही यहाँ पर लिखा गया है, द हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स, रिलीजिंग हार्मोन which stimulates secretion of pituitary hormones, ठीक है, and the inhibiting hormones which inhibit secretion of pituitary hormones। ठीक है, जैसे देखो example, hypothalamic hormone called gonadotropin releasing hormone GnRH, color change कर लेते हैं अपन, जो GnRH है, ठीक है, वो stimulate करता है pituitary को synthesis and release of gonadotropin, synthesis and release of gonadotropin। इसका मतलब यहाँ पर देखो क्या है, short form में देखो, जो हाइपोथैलेमस है बच्चों, जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करेगा गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, क्या रिलीज करेगा, GnRH, ये इसने रिलीज किया। ठीक है, GnRH वर्क करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी, कहां वर्क करेगा,
वर्क ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, वर्क ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी बना के देता है क्या, एल एच एंड एफ एस एच, क्या बना के देगा, एल एच, क्या बना के दे रहा है, एल एच एंड एफ एस एच, ठीक है, ये बना के दे रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी का, ठीक है। क्या मतलब है बच्चों, ये रेड जो लाइन है इसका क्या मतलब है, जो हाइपोथैलेमस वो रिलीज करेगा गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, वो वर्क करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी बना के देता है एल एच एंड एफ एस एच, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन दी अदर हैंड, अब ये जो पूरा मतलब है बच्चों, ये अपन कैसे समझेंगे, देखो ये है बच्चों पूरा पोर्टल सिस्टम, है ना, अब अपन इसको समझेंगे डायग्राम की हेल्प से, ठीक है बच्चों। तो डायग्राम कहाँ पर है अपना, ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोला है बच्चों, देखो एंटीरियर पिट्यूटरी ऑल्सो नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस, क्या बोला है, एंटीरियर पिट्यूटरी ऑल्सो नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। अभी इसके अंदर बच्चों टू पार्ट्स होते हैं, पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया एडिनो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है बच्चों, एडिनो हाइपोफाइसिस, टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, जो सबसे ज्यादा पार्ट होता है, जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में पार्ट होता है वो होता है बच्चों पार्स डिस्टेलिस, कितना 70% मेजोरिटी, एंड रिमेनिंग 30% इज पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, रिमेनिंग 30% इज पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। और ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑल्सो नोन एज बच्चों न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्या बोलते हैं इसको, न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्या बोला है इसको, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। देखो और दूसरा नाम क्या होता है इसका, पार्स नर्वोसा, लिख लेते हैं यहां पे पार्स नर्वोसा, ऑल्सो नोन एज पार्स नर्वोसा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अपन ने अभी ये नाम देखा है, न्यूरो हाइपोफाइसिस और पार्स नर्वोसा। इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, यहां से ब्लड आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्लड, क्या है ये, ब्लड, ठीक है, फ्रॉम हाइपोफाइसियल आर्टरी, कहां से आ रहा है ब्लड, हाइपोफाइसियल आर्टरी से आया ब्लड यहां पे आ गया, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट नेटवर्क है बच्चों, जो फर्स्ट नेटवर्क है, ये जो है नेटवर्क, इसको बोला है बच्चों प्लेक्सस, क्या बोला है, प्लेक्सस, प्राइमरी प्लेक्सस, क्या बोला है बच्चों, प्राइमरी प्लेक्सस, ठीक है। और ये जो है बच्चों यहां पर, ये जो आप देख रहे हो रेड रेड सा, ये क्या है, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, क्या है ये, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, इनके अंदर क्या दौड़ रहे हैं, क्या दौड़ रहे हैं इनके अंदर, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, वो जो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन है जो आया अपने हाइपोफाइसियल आर्टरी से, कहां पे, प्राइमरी प्लेक्सस जो नेटवर्क है, फिर वहां से कहां आया, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, ये यहां पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों, क्या इनके अंदर होते हैं रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, जो अपन ने देखे थे, कहां है ये सब प्रेजेंट होते हैं कहां पर, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन के अंदर, ठीक है ना। वो कहां जाएंगे फिर, ये जो सेकेंडरी नेटवर्क है, ये क्या है बच्चों, सेकेंडरी प्लेक्सस, प्लेक्सस क्या होता है, नेटवर्क, ठीक है, यहां पर चल गए, ठीक है। तो ये बच्चों इतना सा दिया गया है ये हाइपोथैलेमस के अंदर, ये जो है वही है, देखो अपन एक बार रीड कर लेते हैं, जो सोमेटोस्टैटिन है, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी, ठीक है। दिस हार्मोन ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पास थ्रू द एक्सॉन्स एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग, ठीक है, जो अपन ने अभी डायग्राम में देखा। दिस हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, जो अपन ने पोर्टल सिस्टम देखा उसी के अंदर हाइपोफाइसियल आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है अंदर, रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये लाइन जो है बच्चों यहां पर अपन ने समझ ली है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या कर रहा है, डायरेक्ट रेगुलेशन,
ठीक है, समझ गए यहां तक। नेक्स्ट आती है बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या आती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अपन हम इसको रख कर ले, आई होप बच्चों आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। अपन हम इसको रख कर लेते हैं ताकि थोड़ा साफ दिखे अपन को। बच्चों साथ के साथ नोट करते रहोगे तभी चीज समझ में आएगी, है ना, क्योंकि अपन ये रिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा फास्ट रहेगा। अदरवाइज बच्चों जो अपन पूरे फुल लेक्चर्स लेंगे ना तब डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना बच्चों। अभी फॉर रिवीजन पर्पस अपन ऐसे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपन सब चीज कवर करते हुए चल रहे हैं एक एक लाइन, है ना बच्चों। तो नेक्स्ट कौन सी है बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसका ओरिजिन कैसा था? एक्टोडर्मल था, क्योंकि ब्रेन के पास में ही, लिख लेते हैं यहाँ पे एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। और लोकेशन कहाँ पर है बच्चों इसकी? कहाँ पर प्रेजेंट है? बोनी कैविटी ऑफ स्पिनोइड बोन। कौन सी बोन? स्पिनोइड बोन कॉल्ड सेला टर्सिका, कॉल्ड सेला टर्सिका। कहाँ पर प्रेजेंट है? बोनी कैविटी ऑफ स्पिनोइड बोन। क्या बोला है उसको? सेला टर्सिका एंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। स्टॉक मतलब इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों इसकी लोकेशन, है ना। अब देखो ये डिवाइड होता है बच्चों टू के अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। अब एंटीरियर पिट्यूटरी टू के अंदर डिवाइड थी किसके अंदर? पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिएट, यहाँ पे अपने देख ली थी वो चीज, है ना। अब पार्स डिस्टलिस के अंदर से जो हार्मोन प्रोड्यूस होंगे वो कौन से होंगे? लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, जो पार्स डिस्टलिस है यहाँ से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो एल एच एफ एस एच, एल एच एफ एस एच, है ना, टी एस एच थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन। देखो अब ये पांचों हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके पार्स डिस्टलिस पार्ट से और एंटीरियर पिट्यूटरी, और पार्स इंटरमीडिया से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है बच्चों, वो कौन सा होता है? एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अपन वो भी लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पे, कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है पार्स इंटरमीडिया से? पार्स इंटरमीडिया, कौन सा हार्मोन? ओनली वन हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी की बात। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहां से हार्मोन, यहां पे बच्चों क्या होता है? हार्मोन स्टोर भी हो रहा है रिलीज भी हो रहा है। अब कौन से हार्मोन स्टोर हो रहे हैं रिलीज हो रहे हैं? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेशन। कौन से? ऑक्सीटोसिन एंड वैसो, ठीक है। वैसोप्रेशन को और क्या बोलते हैं बच्चों अपन? एंटी डायबिटिक हार्मोन ADH, ऑल्सो नोन एज ADH। तो ये दोनों हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं और कहाँ पर स्टोर होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। अब वही चीज बच्चों इस पैराग्राफ के अंदर दी गई है, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस ऑल्सो नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और दूसरा नाम क्या था? पार्स नर्वोसा, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस, पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, अपन ने देख लिया, ठीक है। पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टलिस रीजन जो है पिट्यूटरी का कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस हो रहा है, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन ACTH भी रिलीज हो रहा है बच्चों, ठीक है। ऐड कर लो क्या? ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, न्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, और जो पार्स इंटरमीडिया वहां से सिर्फ एक हार्मोन रिलीज होता है, एक हार्मोन बनता है, कौन सा? मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी की बात। नेक्स्ट है बच्चों क्या? न्यूरो हाइपोफाइसिस जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, ऑल्सो नोन एज पार्स नर्वोसा, वहां से रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पे बच्चों स्टोर भी होता है और वो हार्मोन रिलीज भी होते हैं यहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, कौन से हार्मोन से? वो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेशन, कौन से हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेशन, व्हिच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस, जो सिंथेसिस हो रहा है बच्चों इन हार्मोन का वो हो रहा है हाइपोथैलेमस के अंदर, एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सटर्नली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस, और ये ट्रांसपोर्ट हो रहे कहां पर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है, जो है न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑल्सो नोन एज पार्स नर्वोसा, कौन से हार्मोन?
ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेशन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर दिया गया है इनके ओवर सिक्रीशन, और अगर ये हार्मोन की कमी आ गई या लॉस में चल गए आफ्टर प्यूबर्टी और बिफोर प्यूबर्टी, वो इसके अंदर दिया गया है। जो पूरा रेड रेड है वही यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब उसको अपन कैसे समझेंगे, देखो सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्यूबर्टी से पहले ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाए, ओवर सीक्रेशन हो जाए, लिखो यहां पे आफ्टर प्यूबर्टी, अगर प्यूबर्टी के बाद ओवर सीक्रेशन हो गया ग्रोथ हार्मोन का ओवर सीक्रेशन हो गया, तो इट विल कॉज एक्रोमिगेली। क्या एक्रोमिगेली, वो जो ऊपर दिया गया उसी को अपन शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं। और अगर आफ्टर प्यूबर्टी ग्रोथ हार्मोन्स कम है तो इट विल कॉज एक्रोमिक्रिया। क्या एक्रोमिक्रिया, आई होप बच्चों आप भी नोट डाउन कर रहे होंगे और नोट डाउन साथ के साथ करते चलिए, तभी माइंड में स्टोर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो जाए, अभी ग्रोथ हार्मोन कहाँ से आ रहा है, साथ के साथ कनेक्ट करते चलो चीजों को। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से आ रहा है, अपने लिखा है ना, कहाँ से आ रहा है बच्चों, पास्ट स्टेलिस में। ठीक है, पास्ट स्टेलिस कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है ग्रोथ हार्मोन, पास्ट स्टेलिस किसका पार्ट है बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी का, है ना, वहां से आया ग्रोथ हार्मोन। और प्यूबर्टी से पहले अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन हो जाए तो इट विल कॉज जिगेंटिज्म। क्या जिगेंटिज्म, और अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाए तो इट विल कॉज ड्वार्फिज्म। क्या हो जाएगा ड्वार्फिज्म। ठीक है, तो ये बात होगी बच्चों ग्रोथ हार्मोन की, है ना। नेक्स्ट आता है बच्चों किसकी बात करेंगे, प्रोलैक्टिन की। इसकी बात करेंगे हम प्रोलैक्टिन, वो जो पैराग्राफ है बच्चों वो यहाँ पर दिया गया है पूरा, अपन वो यहाँ पे समझेंगे सिंपल फॉर्म में। प्रोलैक्टिन क्या करता है, ग्रोथ करता है मैमरी ग्लैंड का और मिल्क का सिंथेसिस। क्या कर रहा है, ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड एंड सिंथेसिस ऑफ मिल्क, किसका सिंथेसिस ऑफ मिल्क, मिल्क का सिंथेसिस कौन कर रहा है बच्चों, अपना प्रोलैक्टिन। ये तो ऑब्वियसली कब होगा, ये आफ्टर प्रेगनेंसी होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है बच्चों। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है, ये होगा आफ्टर प्यूबर्टी। नेक्स्ट है बच्चों क्या, टीएसएच। अब देखो टीएसएच कैसे स्टिमुलेट होता है अपन देखेंगे, हाइपोथैलेमस से आता है बच्चों टीआरएच। देखो हाइपोथैलेमस से आता है बच्चों क्या टीआरएच, क्या है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना। ये वर्क करेगा आपके कहां पर, पिट्यूटरी पर, ये वर्क करेगा आपके पिट्यूटरी पर, कौन से पिट्यूटरी पर, एंटीरियर या पोस्टीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर वर्क करेगा। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से बच्चों टीआरएच, टीआरएच वर्क करेगा आपके पिट्यूटरी पर, वहां से रिलीज होगा टीएसएच। क्या रिलीज होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये वर्क करेगा आपके कहां पर, थायराइड ग्लैंड पर, कहां पर वर्क करेगा थायराइड ग्लैंड पर। फिर अपन वो डिस्कस कर रहे थे इसके दो भाई, एक छोटा एक बड़ा, T3 एंड T4। सबसे ज्यादा काम करने योग्य कौन सा होता है, T3। ठीक है बच्चों, थायराइड ग्लैंड पे वर्क किया ये TSH, क्या बन गया T3 एंड T4 हार्मोन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों ACTH। क्या है ये ACTH, ठीक है। देखो अपन पूरी लाइन टू लाइन लेकर चल रहे हैं एनसीईआरटी की, है ना बच्चों, वो सब पढ़ने के बाद अपन एक बार रीड आउट कर लेंगे, तब आराम से आपकी चीजें माइंड में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब ACTH पे आते हैं बच्चों, ये भी कहां से रिलीज हो रहा है, आपके पास स्टेलेस एंटीरियर पिट्यूटरी। ACTH बच्चों स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस और सीक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, किसका सीक्रीशन करेगा बच्चों, स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स का। देखो इट स्टिमुलेट, अपन यहां लिख लेते हैं, इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रीशन, स्टिमुलेट द सिंथेसिस प्लस सीक्रीशन ऑफ, किसका सीक्रीशन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, किसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स,
एग्जाम्पल क्या हुआ इसका? कॉर्टिसोल। क्या हुआ? कॉर्टिसोल। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अपन कौन से हार्मोन पढ़ेगा जो पॉसिटल से रिलीज होता है? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन था? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच। एलएच क्या करेगा बच्चों? स्टिमुलेट करेगा एंड्रोजन को। ठीक है, किसको स्टिमुलेट करेगा? एंड्रोजन को। एंड्रोजन कैसे आता है, कहां से आता है, कहां से प्रोड्यूस होता है, कौन से सेल से प्रोड्यूस होता है बच्चों? एंड्रोजन, एंड्रोजन प्रोड्यूस होता है फ्रॉम लेगिंग सेल्स। ठीक है, एंड्रोजन कहां से प्रोड्यूस होगा? प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लेडी सेल्स। ठीक है बच्चों, साथ के साथ नोट डाउन करते चलो, है ना। नेक्स्ट बच्चों आता है एमआरएच। कौन सा हार्मोन आता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये कैसे काम करेगा देखो, वही जैसे अपन ने यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखा हाइपोथैलेमस से, है ना। हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होगा एमआरएच। क्या प्रोड्यूस होगा? एमआरएच, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस हुआ हाइपोथैलेमस से। एमआरएच एक्ट करेगा कहां पर? पिट्यूटरी पर। कहां पर करेगा? एक्ट ऑन पिट्यूटरी, पिट्यूटरी पर एक्ट किया। ठीक है, वहां से प्रोड्यूस होगा एमएसएच। एमएसएच प्रोड्यूस हुआ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वर्क करेगा बच्चों मेलानोसाइट पे। कहां वर्क करेगा? मेलानोसाइट पे वर्क करेगा एमएसएच, है ना। और फिर मेलानोसाइट पे वर्क करा, फिर प्रोड्यूस होगा क्या? मेलानिन। क्या प्रोड्यूस हुआ बच्चों? स्किन पिगमेंट। कौन सा है? मेलानिन। ये क्या है आपका? स्किन पिगमेंट। ठीक है, मेलानिन क्या है बच्चों? स्किन पिगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इंसुलिन दिया गया है ऑक्सीटोसिन। अपन के पास स्पेस का वही इशू हो गया, पर फिर भी अपन यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा हार्मोन बोला है? ऑक्सीटोसिन। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? फीटल इजेक्टिंग एंड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। इसको क्या बोला है? फीटल इजेक्टिंग और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। लिख लेते हैं अपन, फीटल इजेक्टिंग एंड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन ये है, है ना। नेक्स्ट आता है बच्चों कौन सा हार्मोन? वैसोप्रेशन। ठीक है, ऑल्सो नोन एज एनर्जी डायुरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेशन बच्चों एक्ट करेगा, वर्क करेगा डीसीटी पे और कलेक्टिंग डक्ट पे। कहां वर्क करेगा ये हार्मोन? डीसीटी पे प्लस कलेक्टिंग डक्ट पे। ठीक है, जिससे क्या होगा? जो वाटर और सोडियम आयन से जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसकी वजह से यूरिन क्या होगा बच्चों? कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, क्या हुआ? डीसीटी और सीटी पे वर्क किया, रीएब्जॉर्प्शन हुआ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का, लीड्स टू यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। ठीक है, और अगर एडीएच की डेफिशिएंसी हो गई, है ना, इस वैसोप्रेशन की अगर डेफिशिएंसी, क्या बोलते हैं इसको, एक और नाम क्या है इसका, एडीएच, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी देन इट विल लीड्स टू डायबिटीज इनसिपिडस। क्या हो जाएगा? डायबिटीज इनसिपिडस, इनसिपिडस। ठीक है बच्चों, अगर एडीएच की कमी हो गई तो। ठीक है, अब अपन बच्चों अगर रीड करेंगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा जो भी अपन ने यहाँ पे ब्लैंक पेज के अंदर समझा है ना, इसलिए अपन को ब्लैंक पेज की नीड होती है। मैं वही आपसे बोलूंगा, हर एनसीईआरटी के चैप्टर के बाद 5 ब्लैंक पेज रीड करो, वहीं पर ही चीजें नोट डाउन करो। ठीक है, ताकि आप दूसरी कोई बुक ना लो या आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना, और वही चीज स्टोर है माइंड में, है ना। देखो वही चीजें यहाँ पे, रीएब्जॉर्प्शन होगा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का, वैसोप्रेशन रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, डीसीटी और उस पर वर्क करेगा जिसकी वजह से रिड्यूस होगा लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, है ना। तो यूरिन क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। इस हार्मोन को क्या बोलते हैं? एंटी डायबिटिक हार्मोन, ऑल्सो नोन एज एंटी डायबिटिक हार्मोन और वैसोप्रेशन। क्या बोला बच्चों? वैसोप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आती है बच्चों पीनन ग्लैंड। अब देखो वही पीनन ग्लैंड का ओरिजिन क्या होगा? एक्टोडर्मल, है ना, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, और ये कहां प्रेजेंट होगा बच्चों? डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन,
कहाँ पर देखो लिखा हुआ ना, पीनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरमैन, फोरमैन के डोर्सल साइड में। और पीनल ग्लैंड बच्चों सीक्रेट करती है हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। अब इसको बच्चों अपन बोलते हैं थर्ड आई, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों थर्ड आई, है ना। पीनल ग्लैंड क्या सीक्रेट कर रही, कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रही है बच्चों, मेलाटोनिन, जो ट्रिप्टोफैन से बना है। किससे बना है ये मेलाटोनिन, ट्रिप्टोफैन से बना है, ठीक है लिख लो यहां पे, मेलाटोनिन बना है बच्चों ट्रिप्टोफैन से, है ना। अब मेलाटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ आवर 24 आवर्स रिदम ऑफ आवर बॉडी। अब देखो बच्चों सबसे ज्यादा मेलाटोनिन का सिक्रेशन होता है रात में, देखो रात में आपको नींद आने लग जाती है ना, तो सबसे ज्यादा मेलाटोनिन का सिक्रेशन होता है बच्चों रात में, है ना। और सबसे कम कब सिक्रेट होगा, दिन में ऑब्वियसली, है ना। तो जितना ज्यादा मेलाटोनिन बच्चों सॉरी नॉट मेलाटोनिन मेलाटोनिन जितना ज्यादा मेलाटोनिन सिक्रेट होगा उतना डिलेड प्यूबर्टी आएगी, है ना। तो दे अफेक्ट अराइवल ऑफ प्यूबर्टी, ये जो है बच्चों हार्मोन ये अफेक्ट करता है अराइवल ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। दे अफेक्ट अराइवल ऑफ प्यूबर्टी, फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रेंज ऑफ स्लीप वेक साइकिल, अपन को कब उठना है कब सोना है, तो वो ये चीज मेंटेन करेगा मेलाटोनिन, बॉडी का टेम्परेचर, है ना। और मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी, मतलब इम्यूनिटी के अंदर भी ये रोल प्ले करेगा, है ना बच्चों। पीनल ग्लैंड इसको अपन थर्ड आई बोलते हैं, समझ गए अपने स्टार्टिंग में देखा था, है ना बच्चों। मेलाटोनिन कहाँ से आ रहा है, अपना पीनल ग्लैंड से आ रहा है, थर्ड आई बोलते हैं इसको अपन, है ना। नेक्स्ट आती है बच्चों थायरॉइड ग्लैंड। अब देखो थायरॉइड ग्लैंड का बच्चों ओरिजिन क्या होगा, एंडोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है, दे आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन, एंडोडर्मल इन ओरिजिन, है ना। दे आर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है यहां पर लिख लो बच्चों, दे आर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, दे आर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके बच्चों। अब देखो ये एक ऐसी ग्लैंड है जो खुद के सीक्रेशन को स्टोर करता है, ठीक है, ये एक ऐसी ग्लैंड है जो खुद के सीक्रेशन को स्टोर करती है ना बच्चों। तो ये स्टोर करती है हॉर्मोन्स को बिफोर सीक्रेशन, सीक्रेशन जो होता है हॉर्मोन का उसके पहले ही इसको स्टोर करती है, इसके अंदर हॉर्मोन्स का स्टोर रहता है, स्टोरेज रहती है हॉर्मोन्स, ठीक है। टू लोब्स के अंदर डिवाइड होती है बच्चों, ठीक है, थायरॉइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स, ठीक है, विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया के आइदर साइड के अंदर प्रेजेंट होगी, यहाँ पर प्रेजेंट होगी बच्चों क्या, थायरॉइड ग्लैंड, है ना। ये देखो देख रहे हो ना डायग्राम में, देखो कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है नाइदर साइड ऑफ ट्रेकिया, ये क्या है बच्चों ट्रेकिया, ये क्या है कार्टिलेजिनस लिंक, अपने देखा था डाइजेशन के अंदर ये ट्रेकिया है ना, यहाँ क्या प्रेजेंट है बच्चों, ये क्या है थायरॉइड ग्लैंड, है ना। ये जो बीच का रीजन है बच्चों ये क्या है इस्थमस, इसको क्या बोला है बच्चों बीच के रीजन को इस्थमस। अब देखो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये आपको ऐसे देखने पे लगेगा ना बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है ना, बटरफ्लाई कैसी होती है, ऐसी होती है ना। अब देखो ये स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों बटरफ्लाई और एच ग्लैंड, क्या बोलते हैं बटरफ्लाई एच ग्लैंड, लिख लें अपन बटरफ्लाई और एच ग्लैंड, एच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो ये एच लाइक नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना भाई, बीच के स्ट्रक्चर को इस्थमस बोल दिया, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है एच ग्लैंड है, ठीक है। अब देखो अपन इसको करते हैं जूम इन, करें जूम इन, बटरफ्लाई को अपन उड़ा देते हैं, अब इसको अपन करते हैं जूम इन, ऐसा बना हुआ, ऐसा बना हुआ है ना बच्चों। ये क्या है सारे थायराइड फॉलिकल्स, क्या है ये थायराइड फॉलिकल्स, ये है सारे बच्चों थायराइड फॉलिकल्स, ये बाहर वाले सेल्स से बच्चों पैरा फॉलिकुलर सेल्स, ये जो बाहर बच्चों सेल्स प्रेजेंट होती है, इनके बाहर भी प्रेजेंट होते हैं सेल्स, ये जो बाहर वाले सेल्स हैं ये क्या है पैरा फॉलिकुलर सेल्स। अब ये क्या करते हैं बच्चों देखो, इन्हीं से कैल्सिटोनिन और टीसीटी हार्मोन जो होता है प्रोड्यूस होता है, कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं यहां से टीसीटी कैल्सिटोनिन,
ये हॉर्मोन प्रोड्यूस होते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स के, ये प्रेजेंट होते हैं थायराइड फॉलिकल्स के बीच में, ये जो बीच में जो प्रेजेंट होते हैं बाहर वाले सेल्स इनको बोला है पैरा फॉलिकुलर सेल्स, और अंदर बच्चों प्रेजेंट होते हैं क्या, इनको क्या बोला है कॉलोइड, क्या बोला है ये क्या है कॉलोइड, कॉलोइड बोला है इनको, ठीक है। इनके अंदर स्टोर होते हैं T3 एंड T4, वो दोनों बेटे प्रेजेंट होते हैं, एक तो छोटा और एक बड़ा, ये दोनों हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर कॉलोइड के अंदर, ये स्टोर होते हैं है ना, ये अंदर कॉलोइड है इसके अंदर स्टोर होते हैं T3 एंड T4, समझ गए। तो अपन ये जूम इन करके भी देख लिया है ना। अब बच्चों देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में बोला गया है कि आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे, ठीक है, जब तक रहेगा आयोडीन तब तक ये हॉर्मोन बनता रहेगा, ठीक है, वही है ना, जब तक ये आयोडीन प्रेजेंट होगा यहाँ पे, जब तक आयोडीन रहेगा तब तक ये हॉर्मोन जो है थायराइड हॉर्मोन बनता रहेगा, है ना, और जब अगर डेफिशिएंसी होगी आयोडीन की, अब देखो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, जब अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, मतलब देखो जब तक आयोडीन रहेगा तब तक थायराइड हार्मोन बनता रहेगा अपनी बॉडी के अंदर, है अब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई तो हो जाएगा बच्चों डिसऑर्डर, कौन सा डिसऑर्डर, हाइपोथायरॉयडिज्म, कौन सा हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अंदर क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है T3 एंड T4 की इन आवर बॉडी, T3 एंड T4 हॉर्मोन्स जो होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, लिख लो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ T3 एंड T4, ठीक है, और सबसे पोटेंट कौन सा होता है, मोर पोटेंट इन एक्शन कौन सा होता है T3, है ना, ये याद रखना बच्चों। तो बच्चों अब इनकी डेफिशिएंसी होगी T3 एंड T4 की, तो अब देखो क्या होगा, हो जाएगा सिंपल गोइटर, क्या हो जाएगा सिंपल गोइटर, ये हो जाएगा किसकी भाई, आयोडीन T3 एंड T4 की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल गोइटर, ठीक है, ये हो जाएगा। और क्या होएगा इसके अंदर, क्या होता है बच्चों सिंपल गोइटर के अंदर थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है, क्या हो जाता है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है बच्चों सिंपल गोइटर के अंदर, सिंपल गोइटर होता है डेफिशिएंसी ऑफ T3 एंड T4 हॉर्मोन्स की वजह से। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, क्रिटिनिज्म, क्या होगा क्रिटिनिज्म, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी डेफिशिएंसी ऑफ T3 एंड T4 है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर आता है ये। इसके अंदर क्या होगा, जन्म से बचपन से T3 एंड T4 की कमी होगी, ठीक है, बाय बर्थ ही T3 एंड T4 की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है बच्चों, बाय बर्थ डेफिशिएंसी ऑफ T3 एंड T4। इसके अंदर होता है बच्चों लो मेटाबॉलिज्म, उस बच्चे का मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, लो होगा, ठीक है, लो मेटाबॉलिज्म होगा, है ना, जिसके वजह से क्या होगी बॉडी की ग्रोथ स्टंटेड होगी, सो स्टंटेड बॉडी ग्रोथ, नोट डाउन करते चलो बच्चों, है ना, और मेंटल रिटार्डनेस, दिमाग से थोड़ा कमजोर होगा, है ना बच्चों, मेंटल रिटार्डनेस, ठीक है, बाय बर्थ अगर डेफिशिएंसी होगी T3 एंड T4 की, और अगर आफ्टर प्यूबर्टी T3 एंड T4 की डेफिशिएंसी होती है तो उसको बोलते हैं बच्चों माइक्सीडीमा, क्या बोलते हैं माइक्सीडीमा, MIXEDEMA, क्या होगा ये आफ्टर प्यूबर्टी अगर डेफिशिएंसी होती है, आफ्टर प्यूबर्टी अगर डेफिशिएंसी होती है T3 एंड T4 की तो इट विल कॉज माइक्सीडीमा। इसके अंदर क्या होगा बच्चों, मेटाबॉलिज्म लेस हो जाएगा, ठीक है, लेस मेटाबॉलिज्म होगा, लेस मेटाबॉलिज्म, जिसके वजह से क्या होगा वेट गेन ज्यादा होगा, वेट गेन हो जाएगा, ठीक है, मोटा सा लगेगा लड़का, मोटू मोटू सा हो जाएगा, है ना बच्चों, कैसे होगा क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत कम है ना। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर बच्चों होता क्या है एक्चुअली के अंदर देखो, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है अपनी बॉडी के अंदर होती है बच्चों BMR, वो क्या हो जाएगी हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर बहुत कम हो जाएगी, BMR कम हो जाएगी उस पर्सन के अंदर, तो उसका मेटाबॉलिज्म जो है बच्चों, उस पर्सन का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी कम होएगा, जिसके वजह से वो जो भी चीजें खाएगा उसके असर करने लग जाएगा, वो मोटा हो जाएगा, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं मोटा, ठीक है,
क्योंकि मेटाबॉलिज्म लो है, बीएमआर लो है हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर क्योंकि डेफिशिएंसी है टी3 एंड टी4 की। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, इसके बाद आएंगे बच्चों हाइपरथायरॉइडिज्म। अब हाइपरथायरॉइडिज्म के अंदर क्या होगा, इसका उल्टा कर लो कोई दिक्कत नहीं। देखो हाइपर थायरॉइडिज्म, इसके अंदर क्या होगा, एक्सेसिव सीक्रेशन होगा टी3 एंड टी4 का। क्या होगा, एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ टी3 एंड टी4, सीक्रेशन ऑफ टी3 एंड टी4। इसका एग्जांपल क्या होगा बच्चों, एक्सोथेल्मिक गोइटर आल्सो नोन एज ग्रेव्स डिजीज। कौन सा गोइटर, एक्सोथेल्मिक गोइटर आल्सो नोन एज ग्रेव्स डिजीज, इसको ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं बच्चों। इसके अंदर क्या होगा बच्चों, T3 एंड T4 की सीक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, जिसके वजह से बच्चों क्या होगा, इस पर्सन का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा अच्छा होगा भाई, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा जिसकी वजह से वेट लॉस हो जाएगा। बहुत ज्यादा सूखा हुआ लड़का होगा, पतला दुबला सा होगा, है ना बच्चों। हाइपोथायरॉइडिज्म के क्या अंदर क्या हुआ है, बेसिकली देखो BMR जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट वो बढ़ रही है ना, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, ठीक है, और कैसा हो रहा है इंसान, पतला सा बना है, बिल्कुल पतला, वेट लॉस, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे समझो, जो BMR होती है, अब देखो बच्चों जो मैथ्स के अंदर जो स्टूडेंट खाना खाते हैं, आपने देखा होगा बहुत पतले पतले स्टूडेंट जो होते हैं, बहुत पतले पतले लड़के होते हैं, वो बहुत सारा खाते हैं खाना, है ना, फिर भी वो पतले रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि उन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, उन लोगों का मेटाबॉलिज्म जो होता है बच्चों बहुत तेज हो रहा है, वो जितना भी खाएंगे सब कुछ मेटाबोलाइज कर देंगे, है ना, जो भी वो खा रहे हैं 5 रोटी 6 रोटी 10 रोटी वो पतले के पतले हैं क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है ना, वो मेटाबोलाइज कर देते हैं जो भी खाते हैं उस चीज को, तो वो जो है प्रोसेस वो कंट्रोल होता है बाय थायरॉइड ग्लैंड। कहां से कंट्रोल होता है, बाय थायरॉइड ग्लैंड पर। थायरॉइड ग्लैंड कंट्रोल करती है बच्चों अपनी बेसल मेटाबॉलिक रेट को, किसको कंट्रोल करती है, अपने BMR को, समझ गए, तो कितना कनेक्टेड है सब कुछ एक दूसरे से। वही बच्चों यहाँ पे लिखा गया है ना, वही यहाँ पर लिखा गया बच्चों, है ना, पूरा इस पैराग्राफ के अंदर जो अपन ने समझ लिया है ना बच्चों। अब थायरॉइड ग्लैंड से बच्चों सीक्रेट होता है अपना TCH, क्या है वो, थायरोकैल्सिट्रोनिन हार्मोन, है ना, वो रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल, क्या रेगुलेट करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल। देखो यहाँ पे वही चीज लिखी गई है, यहाँ से यहाँ तक अपन ने देख लिया है ना बच्चों, वही है जो अपन ने बोला, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायरॉइड हार्मोन्स। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का भी कौन इन्फ्लुएंस करता है, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, थायरॉइड हार्मोन। अब थायरॉइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिट्रोनिन, वो भी सिक्रीट करता है आपका थायरॉइड ग्लैंड जो रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल। अब ये चीज अपन बच्चों समझेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड के साथ, ठीक है, कैसे समझेंगे, पैराथायरॉइड ग्लैंड के साथ, देखो कोई दिक्कत नहीं, उसको कवर करेंगे अभी अपन, ठीक है, याद रखना ये चीज अपन को अभी कवर करनी है ना। पैराथायरॉइड ग्लैंड का बच्चों ओरिजिन होता है एंडोडर्मल, दे आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन, समझ गए, दे आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन, है ना। अब देखो ये प्रेजेंट होती है बच्चों, जो चार लॉब्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है डोर्सल साइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, ये देखो ये कहा है डायग्राम, प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, चार लॉब्स है ना, फोर लॉब्स, पैराथायरॉइड ग्लैंड की बात हो रही है यहाँ पे, है ना बच्चों, तो फोर लॉब्स प्रेजेंट होती है डोर्सल साइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। अब इससे बच्चों सिक्रीट होता है कौन सा हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, कौन सा हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन। अब देखो याद करो अपन ने सबसे पहले देखा था ना, पेप्टाइड हार्मोन वाटर सोल्यूबल होते हैं, है ना, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं ये हार्मोन, इसलिए प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स, क्या प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, है ना बच्चों, मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। अब अपन देखो ये चीज और ये चीज अपन अब देखेंगे ब्लैंक पेज के अंदर, ठीक है, खोल दो ब्लैंक पेज, आ जाओ यहाँ पर। फर्स्ट केस है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, इन ब्लड, और सेकंड केस है बच्चों जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, तब क्या होता है, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है बच्चों, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन,
क्या हो जाएगा, किडनी स्टोन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कौन सा स्टोन, जो किडनी स्टोन। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, तो जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बच्चों ज्यादा हो गया, तो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, देखो जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया तो थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करेगा आपका कौन सा हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन सीक्रेट करेगा कौन, थायराइड ग्लैंड। जैसे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, ये हार्मोन क्या करेगा, कैल्शियम को ब्लड से कहां निकाल के फेंक देगा, बोन के अंदर। क्या करेगा ये हार्मोन, ये हार्मोन क्या कर रहा है बच्चों, गोइंग टू टेक कैल्शियम आयंस, गोइंग टू टेक कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड। कहां से, कहां पर जा रहा है कैल्शियम, ब्लड के अंदर, फ्रॉम द ब्लड and through it into the bone, and through it into the bone, ये फेंक देगा bone के अंदर। भाई blood के अंदर calcium का level ज़्यादा है तो क्या होगा, thyroid gland से secrete होगा calcitonin hormone, वो क्या करेगा calcium को blood से निकाल के कहाँ फेंक देगा, bone के अंदर फेंक देगा, ठीक है। इससे क्या होगा बच्चों, bone strengthening, क्या होगा bone strengthening, बोन बच्चों बहुत मजबूत हो जाएगी अपनी, है ना। इस हार्मोन को क्या बोला है, दिस हार्मोन इज कॉल्ड हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन, इस हार्मोन को बोला है बच्चों हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन, ठीक है। ये बात की अपने, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है, देखो इट लीड्स टू द ब्लड क्लॉटिंग, क्या होगा, लीड्स टू डिले इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी बच्चों, डिले होगा, है ना, जल्दी ब्लड क्लोट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ये जो ब्लड है बच्चों, जब थायराइड, जब पैराथायराइड ग्लैंड तक पहुंचेगा, ठीक है, जब यही ब्लड जब पैराथायराइड ग्लैंड पर जाएगा तो वहां से जो पैराथायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा कौन सा हार्मोन, पोलिप्स हार्मोन। अब ये जो ब्लड है बच्चों जिसके अंदर कैल्शियम का लेवल कम है, ये जब ब्लड पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर जाएगा, कहाँ पे जाएगा, पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर गया, ठीक है भाई। पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर ये ब्लड गया जिसके अंदर कैल्शियम का लेवल कम है, तो उस पैराथायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होंगे हार्मोन, कौन से हार्मोन, कॉलिप्स हार्मोन। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है, कॉलिप्स हार्मोन, आल्सो नोन एज पैराथायराइड हार्मोन, है ना। ये हार्मोन कहां पे वर्क करेगा, आपके बोन पे वर्क करेगा, बोन के अंदर वर्क करेगा, ये बोन को तोड़ेगा, ठीक है, क्या करेगा, बोन रिजॉर्प्शन, बोन रिजॉर्प्शन। इसका मतलब क्या होता है, ब्लड बोन के अंदर जो कैल्शियम है उसको निकालेगा, कहां ट्रांसफर करेगा, ब्लड के अंदर। तो ये वर्क करेगा बच्चों बोन के अंदर, कौन सा हार्मोन, कॉलिप्स हार्मोन। और ये कहां वर्क करेगा, ये एक्ट करेगा बच्चों किडनी के अंदर, एक्ट ऑन किडनी, किडनी पे एक्ट करेगा कौन सा हार्मोन, कॉलिप्स हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। अब किडनी के अंदर बच्चों बनता है विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल, क्या बनता है बच्चों, विटामिन डी, ठीक है, कैल्सिफेरॉल। उसके अंदर क्या होगा बच्चों, जो विटामिन डी है वो क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम का आयन का अपटेक बढ़ा देगा, क्या करेगा, ये जो विटामिन डी है बच्चों ये क्या करेगा, दिस कॉज मोर अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, कहां से, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बात हो रही है बच्चों, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तब क्या क्या होगा, ठीक है, किडनी पे एक्ट करेगा, और एक्ट करेगा बच्चों पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिश्यू, नेफ्रॉन में, ये वहां पर एक्ट करेगा, क्या करेगा वहां पर पीसीटी में, ये रिड्यूस करेगा लॉस ऑफ कैल्शियम थ्रू यूरिन, यूरिन के अंदर कैल्शियम का लॉस कम हो, ठीक है, लिख लो यहां पे, रिड्यूस लॉस ऑफ कैल्शियम थ्रू यूरिन। देखो इतने सारे वर्क कर रहा है कौन, कॉलिप्स हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, ये सब वर्क कर रहा है, बोन को तोड़ेगा, बोन रिजॉर्प्शन, किडनी पैक करेगा ताकि
विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है किडनी के अंदर, वो क्या करेगा कैल्शियम आयन का अपटेक बढ़ा देगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है, पीसीटी में वर्क करेगा, जिससे क्या होगा रिड्यूस होगा लॉस ऑफ कैल्शियम थ्रू यूरिन। ये सब होगा जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो किडनी स्टोन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करेगी क्या कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये जो है अपन ने देखा था ऊपर, ठीक है, ये जो अपन ने यहाँ पर चीज मिस कर दी थी या फिर अपने जो छोड़ी थी जान करके वो चीज अपन ने यहाँ पे कवर कर ली है ना। अब वो जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो क्या करेगा कैल्शियम को जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है एक्सेस अमाउंट पे वो कैल्शियम को फेंक देगा निकाल के कहाँ पर बोन के अंदर, जिसकी वजह से बोन स्ट्रेंथनिंग बोन मजबूत हो जाएगी और उस हार्मोन को क्या बोला है हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन। तो ये था बच्चों पैराथायरॉइड हार्मोन है ना। नेक्स्ट आता है आपका थाइमस। अब देखो थाइमस आपकी प्रेजेंट होती है बच्चों डोर्सल साइड ऑफ एओर्टा, कहाँ प्रेजेंट होती है डोर्सल साइड ऑफ एओर्टा, ठीक है, यहाँ ये प्रेजेंट होगी, ठीक है बच्चों। देखो वही लिखा हुआ है थाइमस ग्लैंड इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड द एओर्टा, ठीक है, अपन बच्चों सिंपल फॉर्म में पढ़ते हैं ना, लाइन टू लाइन सारी अपन ने चीजें समझी, और दे आर एंडोडर्मल ओरिजिन, क्या होता है इनका ओरिजिन एंडोडर्मल, आप भी बच्चों साथ के साथ नोट डाउन करते चलो चीजें है ना। अब ये जो ग्लैंड है बच्चों ये सिक्रेट करती है पेप्टाइड हार्मोन, कौन सा हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन, वही देखो पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट कर रही है, मतलब वाटर सॉल्युबल है नेचर के अंदर, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स की, लिपिड क्या होती है हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है, तो पेप्टाइड हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं इसलिए वहां पर प्रेजेंट होता है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। पेप्टाइड हार्मोन में अपने देखा था क्या होते हैं बच्चों मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। अब ये जो पेप्टाइड हार्मोन है वो क्या होता है थाइमोसिन, क्या नाम है बच्चों हार्मोन का थाइमोसिन, ठीक है। अब थाइमोसिन बच्चों क्या करेगा टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन कर देगा, किसका डिफरेंशिएशन करेगा बच्चों थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है, क्या बनाएगा टी हेल्पर सेल्स है ना, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, टी सप्रेसर्स एंड टी मेमोरिन, ये सब बन गया, ठीक है, थाइमोसिन ने इसको डिफरेंशिएट किया टी लिम्फोसाइट्स को टी हेल्पर टी साइटोटॉक्सिक टी सप्रेसर एंड टी मेमोरी सेल्स, ठीक है, ये सब बच्चों डिटेल में अपन पढ़ेंगे सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज में जब अपन पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का जब एसएफआर सीरीज में अपन लेंगे ये चैप्टर रिवीजन के तब अपन ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि थाइमोसिन जो है बच्चों ये डिफरेंशिएट करेगा टी लिम्फोसाइट्स को टी हेल्पर सेल में टी साइटोटॉक्सिक सेल में टी सप्रेसर में और टी मेमोरी में, ठीक है। अब टी लिम्फोसाइट से हमको मिलता है बच्चों सेंट्रल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्या मिलती है टी लिम्फोसाइट से अपन को मिलती है बच्चों सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट से अपन को क्या मिली बच्चों सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये याद रखो, ठीक है। अब यहाँ पे थाइमोसिन जो है बच्चों ये जो हार्मोन है ये प्रोड्यूस करता है बच्चों एंटीबॉडीज, ठीक है, जो प्रोवाइड करती है ह्यूमरल इम्यूनिटीज, ठीक है, ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटीज, ठीक है, जो थाइमोसिन है, ठीक है, ये प्रोड्यूस करती है बच्चों एंटीबॉडीज, क्या प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडीज क्या प्रोवाइड कराएगी अपन को ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये सब चैप्टर बच्चों ये सब डिटेल में अपन पढ़ते हैं इम्यूनिटी चैप्टर के अंदर जो आता है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर, है ना। अभी सिर्फ इतना याद रखो जो थाइमोसिन है वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, है ना, उससे प्रोड्यूस होती है उससे एंटीबॉडी प्रोवाइड कराती है अपन को ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। अब देखो ये जो थाइमस है ना वो डीजेनरेट होने लग जाता है उम्र के साथ साथ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जैसे जैसे अपन बूढ़े होते हैं जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो थाइमस है ना वो डीजेनरेट होने लग जाता है, तो हार्मोन जो है थाइमोसिन वो कम रिलीज होगा, है ना, जिससे क्या होगा बच्चों अपनी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, है ना, इम्यूनिटी से कनेक्टेड है सीधा। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है एक बार रीड आउट कर लेते हैं, थाइमस इज डीजनरेटेड इन ऑल इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन, थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम होने लग जाएगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, ठीक है, एज अ रिजल्ट द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ ऑल पर्सन्स बिकम वीक, जो इम्यूनिटी है वो वीक होती चली जाएगी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, क्यों वीक होती जाएगी इम्यूनिटी, क्योंकि थाइमस डीजनरेट हो रहा है, थाइमस डीजनरेट हो रहा है तो थाइमोसिन का सिक्रीशन कम हो रहा है, थाइमोसिन का प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये था अपना थाइमस, इस लेक्चर में जो अपन आज कंटिन्यू करेंगे एड्रिनल ग्लैंड से, कहां से रिवीजन स्टार्ट करेंगे बच्चों एड्रिनल ग्लैंड से। अब ये होता क्या है देखो, आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, वन ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। अब देखो बच्चों
एल्बुमिन प्रेजेंट कहाँ होती है? देखो सबसे पहले तो अपन इसका ओरिजिन देखेंगे, किसका ओरिजिन क्या है। जैसे अपने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे हर ग्लैंड के ओरिजिन, वैसे एड्रेनल ग्लैंड का ओरिजिन है बच्चों। देखो एड्रेनल ग्लैंड टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। अब देखो आउटर पार्ट कौन सा है बच्चों? आउटर पार्ट है अपना कॉर्टेक्स, ये है आउटर पार्ट, और मेड्यूला क्या है? इनर पार्ट। ठीक है, देखो एड्रेनल ग्लैंड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। इनके ओरिजिन क्या है? जो कॉर्टेक्स पार्ट है, जो आउटर पार्ट है, उसका ओरिजिन है बच्चों मेसोडर्मल, मेसोडर्मल। ठीक है, और जो इनर पार्ट है, मेडुला पार्ट है, इसका जो ओरिजिन है बच्चों वो है एक्टोडर्म। कैसा? एक्टोडर्मल। ठीक है, साथ के साथ बच्चों नोट डाउन करते चलो, है ना। अब इसकी लोकेशन, अब ये प्रेजेंट कहां पे होती है? ये बच्चों प्रेजेंट होती है जस्ट अबाउट द किडनी। कहां पर? ये है किडनी और ये है ग्लैंड। ये क्या है बच्चों? आपकी एड्रेनल ग्लैंड, है ना। ये जो मैंने पूरा रेड कलर कर दिया, ये है आपकी बच्चों एड्रेनल ग्लैंड। ये होती है जस्ट किडनी के ऊपर। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? एड्रेनल ग्लैंड, ऑल्सो नोन एज सुप्रा रीनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? सुप्रा रीनल ग्लैंड। नोट डाउन कर लें। देखो नेक्स्ट पेज पे करते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। एड्रिनल ग्लैंड देखो प्रेजेंट है ना ऊपर की तरफ किडनी के, है ना। एड्रिनल ग्लैंड को और क्या बोलते हैं बच्चों अपन? सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड। अब इस ग्लैंड से बच्चों निकलते हैं एमरजेंसी हॉर्मोन्स, है ना। क्या निकल रहे हैं? एमरजेंसी हॉर्मोन। तो इसको क्या बोलेंगे? एमरजेंसी ग्लैंड। और क्या बोलेंगे? इसका तीसरा नाम क्या है? एमरजेंसी ग्लैंड, क्योंकि यहां से इमरजेंसी हॉर्मोन्स निकल रहे हैं। ठीक है, देखो यहां से समझ में आया। अब आ जाओ एनसीईआरटी की लाइन पे, कि वन पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड होती है, ये अपन ने देख लिया, है ना। और कहां प्रेजेंट होती है? एंटीरियर, आगे की साइड प्रेजेंट होती है ना। टू टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है बच्चों। ये कौन सा है? टू टाइप ऑफ टिश्यू। बीच वाले टिश्यू जो है, बीच वाला जो सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू है, उसको बोला है बच्चों एड्रेनल मेडुला। क्या बोला है? एड्रिनल मेडुला। और जो आउटसाइड, जो बाहर की साइड है, उसको बोला है एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब आ जाओ बच्चों फिगर पे, फिगर देख के अपन इजीली समझ जाएंगे। देखो जो बीच वाला हिस्सा है वो क्या है? एड्रिनल मेडुला। ये है सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू, सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू। ओके, ये देखो ये जो पूरा पार्ट है बच्चों, इसको जूम इन करा है और ये समझाया गया है कि आउटर पार्ट जो है वो है एड्रिनल मेडुला, जो बीच वाला हिस्सा है वो है एड्रिनल मेडुला, और जो आउटर पार्ट है वो क्या है बच्चों? एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये है आउटर पार्ट, ठीक है, ये है सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू। ठीक है, अब बच्चों जो एड्रिनल मेडुला है ये बनता है न्यूरॉन से। ठीक है, किससे बनता है बच्चों? ये न्यूरॉन से, नोट डाउन कर लो, न्यूरॉन। ठीक है, ये सारे न्यूरॉन्स बच्चों सिक्रेट करते हैं हार्मोन, कौन सा? एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन। कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं ये न्यूरॉन्स? एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन। तो ये दोनों हार्मोन ये सिक्रेट हो रहे हैं बच्चों न्यूरॉन्स से। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है? एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला बच्चों बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है, और ये सारे न्यूरॉन सिक्रीट करते हैं एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनलिन। ये हो गया एड्रिनल मेडुला की बात। नेक्स्ट आते हैं बच्चों एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो आउटर पार्ट है। ये बना हुआ बच्चों थ्री टाइप ऑफ लेयर्स। कितनी लेयर्स? थ्री टाइप ऑफ लेयर्स। अब वो लेयर्स जो आउटर पार्ट है, जो आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, वो है बच्चों गोल। ऐसे याद रखो, आउटर मोस्ट लेयर है बच्चों गोल। तो कैसे याद रखेंगे? जोना ग्लोमेरुलोसा। कैसे? जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, अब जो आउटर मोस्ट पार्ट है बच्चों, आउटर मोस्ट क्या है? जोना ग्लोमेरुलोसा, ये है बच्चों आउटर पार्ट, है ना, आउटर मोस्ट पार्ट। जो मिडिल पार्ट है बच्चों वो है वाइडेस्ट, वो है चौड़ा। कैसा है बच्चों? चौड़ा, लिख लो वाइडेस्ट, वाइडेस्ट। क्या नाम है बच्चों लेयर का? जोना फेसिकुलेटा।
जोना फैसिक्यूलेटा, ठीक है। और जो इनर मोस्ट पार्ट है बच्चों, कौन सा इनर मोस्ट, आउटर मोस्ट तो कौन सा था, जोना ग्लोमेरुलोसा जो गोल गोल है ना, और माइटेस बीच वाला जो पार्ट है बच्चों वो चौड़ा है ना, तो वो है जोना फैसिक्यूलेटा, और जो इनर मोस्ट है वो है जोना रेटिकुलरिस। कौन सा है बच्चों, जोना रेटिकुलरिस। ये है बच्चों थ्री टाइप्स ऑफ लेयर जो प्रेजेंट है कहां पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर लोकेटेड टिश्यू जो है, और सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू क्या था, एड्रिनल मेडुला जो बना हुआ था आपके न्यूरॉन से, वो सारे न्यूरॉन्स मिलकर सिक्रीट करते हैं कौन से हॉर्मोन्स, एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनलिन, ठीक है। ये हो गया यहां तक, ये जो डायग्राम है एड्रिनल ग्लैंड का, यहां पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों फैट, क्या प्रेजेंट होते हैं फैट, पुरानी एनसीईआरटी में बच्चों यहां पे दिया गया, ये न्यू एनसीईआरटी इसलिए यहां पे शो नहीं किया गया है, ये क्या होते हैं बच्चों फैट। अब यहां पे फैट क्यों है और यहां पे फैट का फंक्शन क्या है, देखो फैट जिस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं बच्चों एडिपोज टिश्यू, क्या बोलते हैं, फैट जिस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, लिखो यहां पे एडिपोज टिश्यू, क्या बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का फंक्शन क्या होता है बच्चों, अब इस फैट यहां पे जो फैट प्रेजेंट है जो एडिपोज टिश्यू है उसका फंक्शन क्या होता है, वह एब्जॉर्ब करता है शॉक, लिख लेते हैं अपन यहां पे शॉक एब्जॉर्ब, ये फंक्शन होता है बच्चों यहाँ पे जो ये फैट प्रेजेंट होता है उसके अंदर होते हैं बच्चों टिश्यूज, और वो एडिपोज टिश्यू का फंक्शन होता है शॉक एब्जॉर्ब, ठीक है। ये हो गया बच्चों डायग्राम, अब बच्चों अपन रीड करते हैं, देखो क्या लिखा है, जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो द एड्रिनल मेडुला सिक्रीट्स टू हॉर्मोन्स कॉल्ड एड्रिनलिन और रिफाइनेफ्राइन और नॉरएड्रिनलिन और नॉरिफाइनेफ्राइन, ठीक है। सिंपल सा क्या बोला है, जो एड्रिनल मेडुला है जो सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू है वो सीक्रेट करता है हॉर्मोन्स एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रिनलिन, ये अपन ने देख लिया। अब ये जो हॉर्मोन्स है बच्चों दे आर नॉट एंटागोनिस्टिक, यहां पर लिखो ये जो दोनों हॉर्मोन्स है एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रिनलिन, ये दोनों क्या है बच्चों, दे आर नॉट एंटागोनिस्टिक। अब देखो यहां पे एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है, एंटागोनिस्टिक मतलब होता है बच्चों ऑपोजिट, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट, बट ये क्या है नॉट एंटागोनिस्टिक, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे बच्चों याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, दे आर नॉट एंटागोनिस्टिक। नेम से ये जरूर लग रहा है कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, नेम से ये दोनों ऑपोजिट लग रहे हैं बट दे आर नॉट एंटागोनिस्टिक, दे आर नॉट एंटागोनिस्टिक, इस पे मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं, ठीक है। These are commonly called as catecholamines. इसको बच्चों अपन कॉमनली क्या बोलते हैं, catecholamines. ये अपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, है ना, याद हो तो आपको, है ना, जो ट्रिप्सिन प्रोड्यूस कर रहा था catecholamine, adrenaline, noradrenaline, dopamine, ठीक है। तो इनको बच्चों इन हॉर्मोन्स को कॉमनली क्या बोला है, catecholamine, ठीक है। जो बच्चों एड्रेनलिन है, देखो एड्रेनलिन ये जो हार्मोन है ये बॉडी में 95% प्रोड्यूस होता है, कितना परसेंट, 95% प्रोड्यूस होता है। और जो नॉरएड्रेनलिन है, नॉरएड्रेनलिन ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है बच्चों ओनली 5%, कितना परसेंट, 5%, और एड्रेनलिन 95% प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली सेम, है ना, स्ट्रक्चरली बच्चों ये डिफरेंट है बट फंक्शनली सेम है, इसलिए दे आर नॉट एंटागोनिस्टिक, नॉट एंटागोनिस्टिक, कौन एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है बट फंक्शनली सेम है, ओके। देखो कॉमनली इसको अपन ने क्या बोल दिया, कैटेकोलामाइन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन आर रैपिडली सीक्रेटेड इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस of any kind and during emergency situation and are called emergency hormone. जैसे आपने देखा था फिगर के अंदर यहाँ से emergency hormones निकलते हैं, इसलिए इसको emergency gland बोला था अपने, और hormones of fight or flight. यहाँ पर ये line क्या बोल रही है, जो catecholamines हैं, जो adrenaline and noradrenaline, ये secrete होते हैं अपने stress के time और emergency के time, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
स्ट्रेस के टाइम कौन सा हार्मोन निकलता है बच्चों? कॉर्टिसोल। कौन सा हार्मोन निकलता है स्ट्रेस के टाइम? स्ट्रेस के टाइम बच्चों हार्मोन निकलता है कॉर्टिसोल, ठीक है। और इमरजेंसी के टाइम जो हार्मोन निकलता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम जो हार्मोन निकलता है वो होता है बच्चों एड्रेनलिन। क्या होता है? एड्रेनलिन। अब देखो ये अपन ऐसे समझते हैं, आप सब अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो है ना, सारे स्टूडेंट्स हो। और देखो अभी जो लेटेस्ट न्यूज चल रही है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, वो क्या चल रही है? नीट पोस्टपोनमेंट, ठीक है, कि भाई नीट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो हर स्टूडेंट को स्ट्रेस हो जाता है, हर स्टूडेंट को टेंशन हो जाती है ना, कि नीट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, हम रिविजन स्लो करें या फास्ट करें, है ना, या रिविजन स्टार्ट करें। अभी तो बहुतों ने रिविजन स्टार्ट भी नहीं किया होगा, इसलिए तो अपन ये सीरीज चला रहे हैं, सुपर फास्ट रिविजन सीरीज, है ना। तो बच्चों देखो, स्ट्रेस हार्मोन होता है कोर्टिसोल, ये सीक्रेट होता है ड्यूरिंग स्ट्रेस। अब स्ट्रेस अपन को आ गया कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, मतलब ये बीच बीच में अपन को टेंशन हो जाती है ना, कभी कभी नाइट में टेंशन हो गई, सुबह वापस सही हो गए, है ना, तो बहुत बार होता है। तो वो होता है बच्चों स्ट्रेस, है ना। उस टाइम जो हार्मोन निकलता है वो होता है आपका कौन सा? कोर्टिसोल। कौन सा होता है? कोर्टिसोल। अब देखो 17 जुलाई को एग्जाम है नीट का मान लो, और आप बैठे हो एग्जाम हॉल में, है ना। उस टाइम जो हार्मोन निकलेगा बच्चों, वो निकलेगा इमरजेंसी हार्मोन, वो कौन सा है? एड्रेनलिन। कौन सा है बच्चों? एड्रेनलिन। तो ये जो हार्मोन होता है इमरजेंसी हार्मोन, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए निकलता है, ठीक है, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए प्रोड्यूस हो रहा है अपनी बॉडी के अंदर, है ना। एग्जाम खत्म हुआ, उसके बाद आप आराम से खुश हो, भाई बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, है ना, बहुत अच्छा एग्जाम हुआ अपना, तो उस टाइम आप खुश हो। तो ड्यूरिंग एग्जाम जो हार्मोन निकला इमरजेंसी हार्मोन, वो है आपका एड्रेनलिन, है ना। ये सिर्फ कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये यहाँ पर एनसीईआरटी ने लाइन बोली कि स्ट्रेस के टाइम और ड्यूरिंग इमरजेंसी जो हार्मोन निकलते हैं वो यहाँ पर दिए गए, इसलिए इसको क्या बोला है? इमरजेंसी ग्लैंड, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। दीज हॉर्मोन्स, अब एनसीईआरटी क्या बोल रही है यहाँ पर देखो, ये जो हॉर्मोन्स है वो इंक्रीज कर देते हैं अलर्टनेस, प्यूपली डायलेशन, पाइलो इरेक्शन, स्वेटिंग, ठीक है। अब देखो इस लाइन का क्या मतलब है, इसको कैसे समझते हैं, आ जाओ ब्रेन पेज पे। ये जो हॉर्मोन्स है कौन से है? कौन से हॉर्मोन्स? एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। ये जो हॉर्मोन्स है बच्चों, ये कब सिक्रेट हो रहे हैं अपने? ड्यूरिंग अलर्टनेस। अब देखो अलर्टनेस मतलब, देखो अलर्टनेस, अब जैसे इमेजिन करो आप एक रूम में बैठे हुए हो, है ना, आप रूम में बैठे हुए हो और जो दीवार है आपके पास में, जो वॉल है वहां पर आ गई छिपकली। क्या आ गई? छिपकली, है ना। तो आप चौकन्ने हो जाओगे कि ये छिपकली मेरे पास नहीं आ जाए, मेरे ऊपर नहीं गिर जाए, चौकन्ने हो जाओगे ना। ऐसे ही ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो अलर्टनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। उस टाइम जो हॉर्मोन्स बॉडी से निकलेंगे या बॉडी में बनना प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, कौन से हॉर्मोन्स उस टाइम? एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। भाई छिपकली आ गई, देख ली, अपन हो गए अलर्ट, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट है बच्चों की एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, प्यूपली डायलेशन, अब वो छिपकली जो बच्चों आपने देखी, जिसको देखकर आप अलर्ट हो गए, वो छिपकली अब धीरे धीरे आपके पास आ रही है ना, धीरे धीरे वो छिपकली आपके पास आने लग गई, तो आप आपकी आंखें कैसी हो जाएगी? डायलेट कर लोगे, आप चौड़ी आंखें कर लोगे कि यार वो पास आ रही है, मेरे ऊपर नहीं गिर जाए, मेरे ऊपर नहीं गिर जाए, ऐसे आप सोचोगे ना, है ना। तो प्यूपली डायलेशन के लिए भी जो हॉर्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, ठीक है। नेक्स्ट है पाइलो इरेक्शन, जो एनसीईआरटी में लिखा गया है। छिपकली को लेकर अपन सब कुछ समझ लेंगे, ये एक, ठीक है। अब देखो पाइलो इरेक्शन, अब यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो होती है बच्चों इरेक्टर पिलाई मसल्स। कौन सी मसल्स? इरेक्टर पिलाई मसल्स। अब देखो वो छिपकली जस्ट आपकी ऊपर आ गई, आपके ऊपर नहीं गिरी, आपके ऊपर जो वॉल है, ठीक है, जहां पे फैन लगा हुआ है, जस्ट वहां पर वो छिपकली आ गई,
धीरे धीरे, पहले तो दूर से आपको दिखे आप अलर्ट हो गए, धीरे धीरे पास आई आपकी जो आईज है वो आपने चौड़ी कर ली, प्यूपिलरी डायलेशन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये हॉर्मोन्स एड्रेनालिन और एड्रेनालिन। फिर वो छिपकली जस्ट आपके ऊपर आ गई, आपके ऊपर जो वॉल है वहां पर आ गई, ठीक है, क्या होगा, बहुत ज्यादा आप घबरा जाओगे, है ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्या होंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना, उसको बोला है बच्चों पाइलो इरेक्शन, रेजिंग ऑफ हेयर्स, इसका मतलब होता है रेजिंग ऑफ हेयर्स, क्योंकि यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो होती है कौन सी बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वो मसल्स होती है इलेक्ट्रोपिलाई मसल्स, ये रेस्पॉन्सिबल होती है आपके हेयर्स को खड़े करने में। गूस बम्स होते हैं ना, गूस बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भाई छिपकली सर के ऊपर आ गई या वो गिर नहीं जाए तो आपके रोंगटे खड़े रहेंगे, है ना, तो आप डर जाओगे। नेक्स्ट बच्चों जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो क्या लिखा है, स्वेटिंग, देखो ये लिखा है ना स्वेटिंग, अब वो छिपकली आपके ऊपर गिरने वाली है, जस्ट आपके पसीने छूट जाएंगे ना पसीने, तो ये सारी चीजों के लिए अलर्टनेस, आंखें डायलेट होना, प्यूपिलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन, गूस बम्स, स्वेटिंग आना, इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं हॉर्मोन वो होते हैं आपके कौन से, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, कॉमनली कॉल्ड एज कैटेकोलामाइन, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन दी गई है बच्चों एनसीईआरटी में वो है, बोथ दी हॉर्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रेक्शन एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इस लाइन का मतलब क्या है, ये जो हॉर्मोन्स है दोनों हॉर्मोन्स जो है, कौन से हॉर्मोन्स, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, ये जो दोनों हॉर्मोन्स है बच्चों ये क्या कर रहे हैं, आपकी हार्ट बीट को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं आपकी हार्ट बीट को, ठीक है। अब दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, अपन स्टार्टिंग में बोला था ना ये जो दोनों हॉर्मोन्स है एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन दे आर नॉट एंटागोनिस्टिक, तो अपन ने वो चीज बोली है वो प्रूफ कर रहे हैं कि दे आर नॉट एंटागोनिस्टिक, कैसे प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि दोनों साथ फंक्शन कर रहे हैं, ऑपोजिट तो है नहीं, दोनों साथ फंक्शन कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन साथ कर रहे हैं, ये बच्चों इंक्रीज कर रहे हैं हार्ट बीट को, ठीक है। अब दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं सो दे आर नॉट एंटागोनिस्टिक, ये प्रूफ हो गया यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट बच्चों एनसीईआरटी ने लाइन बोली ये दोनों हॉर्मोन्स हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन करते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रेक्शन, देखो आज एनसीईआरटी की लाइन कहाँ लिखा हुआ है, ये द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रेक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रेक्शन। अब बॉडी फ्लूइड्स के अंदर आपको बच्चों पता होगा, देखो स्ट्रोक वॉल्यूम पता है ना, अब तेजी से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है भाई, हार्ट कॉन्ट्रेक्शन तेजी से हो रहा है तो ज्यादा खून बाहर निकलेगा, है ना, बाहर ज्यादा खून निकल रहा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा ब्लड बाहर निकल रहा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, है ना, ये याद रखना। बॉडी फ्लूइड्स के अंदर डिटेल में पढ़ोगे, जब अपन अभी सर ले ही रहे हैं अपना बॉडी फ्लूइड्स, है ना, वहां पर आपने अच्छे से पढ़ा होगा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, तो वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है अपने ये हॉर्मोन्स कैटेकोलामाइन, जिसको अपन ने क्या बोला है एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। और नेक्स्ट जो एनसीईआरटी ने लाइन बोली है वो क्या है, ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर देंगे, मतलब हाइपर वेंटिलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे ये हॉर्मोन्स, हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। तो ये थे बच्चों एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन के हॉर्मोन्स के फंक्शंस की, ये क्या वर्क कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, अपन ने यहां तक देख लिया। अब कैटेकोलामाइन जो है बच्चों एंड ऑल्सो स्टिमुलेट, कैटेकोलामाइन जो एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, किसको कर रहे हैं स्टिमुलेट, ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन को, इस प्रोसेस को क्या बोला है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, क्या बोलते हैं बच्चों इस प्रोसेस को, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन उसको स्टिमुलेट करते हैं बच्चों ये हार्मोन, है ना। अब देखो उसके वजह से क्या होगा, कैटेकोलामाइन देखो इनडायरेक्टली क्या बोला जा रहा है एनसीईआरटी की, कैटेकोलामाइन जो है दे आर हाइपरग्लाइसेमिक हॉर्मोन्स, कौन से हॉर्मोन्स है बच्चों ये, यहां पे देखो दे आर हाइपर
ग्लाइसेमिक हॉर्मोन्स, दे आर हाइपरग्लाइसेमिक हॉर्मोन्स. अब इनको हाइपरग्लाइसेमिक हॉर्मोन्स क्या बोला है, बिकॉज दे इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, है ना, ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं. एनसीईआरटी में देखो आगे लाइन है ना, कैटेकोलामाइन स्टिमुलेट कर रहा है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, जिसके वजह से क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, है ना, वही लिखी हुई लाइन, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, है ना, ब्लड शुगर लेवल बढ़ गई. तो इसको अपन ने बोला है बच्चों हाइपर ग्लाइसेमिक हॉर्मोन्स, ठीक है. दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. अब देखो ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स को क्या बोला है बच्चों, लाइपोलाइसिस. क्या बोला है, लाइपोलाइसिस. प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लाइपोलाइसिस. और प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं, उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोटियोलाइसिस. प्रोटियोलाइसिस, ठीक है. तो ये सब प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों कैटेकोलामाइन, जिसके अंदर आते हैं आपने एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन. तो ये दोनों हॉर्मोन्स कहां से आ रहे हैं, एड्रिनल नेब्यूला से. कनेक्ट करते चलो चीजों को, आराम से समझ में आ जाएगी चीजें, है ना, कोई दिक्कत नहीं. अब आते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो आउटर पार्ट था, जो अपना आउटर पार्ट था, थ्री लेयर्स थी, है ना. अब उस पर आ जाओ, अब आ गए अपन एड्रिनल कॉर्टेक्स पे. यहाँ पर एनसीईआरटी क्या बोल रही है, ये जो है थ्री लेयर्स में डिवाइडेड है, है ना, जोना रेटिकुलरिस जो अपन ने देख ली इनर मोस्ट लेयर, जोना फेसिकुलेटा मिडल लेयर जो क्या थी आपकी वाइडेस्ट, मिडल लेयर क्या है बच्चों, चौड़ी है, लिख लो यहाँ पे वाइडेस्ट, है ना. नेक्स्ट जो आउटर लेयर है वो है बच्चों आपकी कौन सी, जोना ग्लोमेरुलोसा, आउटर मोस्ट लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडल लेयर जोना फेसिकुलेटा और इनर लेयर जोना रेटिकुलरिस, ठीक है. अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो सीक्रेट करते हैं बच्चों मेनी हॉर्मोन्स, कॉमनली कॉल्ड एज कॉर्टिकॉइड्स. उन हॉर्मोन्स को क्या बोला है, कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है. एड्रिनल कॉर्टेक्स है बच्चों वो सीक्रेट कर रहा है बहुत सारे हॉर्मोन्स, और उन हॉर्मोन्स को अपन ने कॉमनली क्या बोला है, कॉर्टिकॉइड्स. जैसे एड्रिनल मेडुला सीक्रेट कर रही थी एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, कॉमनली उसको क्या बोला था, कैटेकोलामाइन. वैसे यहाँ पर कॉमनली बोला गया है जो हॉर्मोन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं उनको बोला गया है कॉर्टिकॉइड्स. अब बच्चों देखो कॉर्टिकॉइड्स के नेचर पे आ जाओ. कॉर्टिकॉइड्स जो है बच्चों डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, अपन लिख लेते हैं यहाँ पे लाइन खींच लो कॉर्टिकॉइड्स का. कॉर्टिकॉइड्स जो है बच्चों जो आपके निकल रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स है, है ना. अब ये कॉर्टिकॉइड्स के नेचर पे आते हैं, दे आर डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल. साथ के साथ नोट डाउन करो बच्चों, है ना, दे आर डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल. सो इनका नेचर क्या हुआ, कॉर्टिकॉइड्स का नेचर क्या हुआ बच्चों, लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल. अब आ जाओ फर्स्ट लेक्चर पे, जब अपन ने देखे थे स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स, पेप्टाइड हॉर्मोन्स, बायोजेनिक अमाइन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, उनके अंदर जो अपने रिसेप्टर्स देखे थे उसी पे आ जाओ. ये है बच्चों लिपिड सॉल्युबल, कोलेस्ट्रॉल से डिवाइड हो, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव हो रहा है, लिपिड सॉल्युबल है नेचर पे. तो ये जो हॉर्मोन्स है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना. प्रोटीनेशियस हॉर्मोन्स के अंदर तो बच्चों प्रॉब्लम आती थी डिवाइड करने में, ठीक है, हॉर्मोन्स को क्रॉस करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसलिए वहां पर प्रेजेंट थे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स. यहां पर क्या प्रेजेंट है बच्चों, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स. ये जो हॉर्मोन्स है इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है बच्चों साइटोप्लाज्म में, और उनको बोला है अपन ने क्या, इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर, ठीक है. ये हो गया बच्चों इसका नेचर, लिपिड सॉल्युबल, और रिसेप्टर कौन सा है बच्चों, इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर, ठीक है. ये यहां पर बोला गया बच्चों एनसीईआरटी में, ये जो लाइन है रेड्स है, देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मेनी हॉर्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स, है ना. नेक्स्ट बच्चों बोला गया ये जो कॉर्टिकॉइड्स है इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, और उसको बोला गया बच्चों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. क्या बोला गया है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. अब ये जो कॉर्टिकॉइड्स है बच्चों देखो ऐसे हॉर्मोन्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को शिकार बनाते हैं, किसको, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, लिखा हुआ है ना कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. ऐसे हॉर्मोन्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को शिकार बनाते हैं उसको निशाना बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. क्या बोलते हैं,
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये ऐसे हॉर्मोन से जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अपना शिकार बनाते हैं, है ना। अपनी बॉडी के अंदर जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है बच्चों वो है कोर्टिसोल, अपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, आई होप आपको याद हो, है ना। रिवाइज करके आओगे तब चीजें आराम से समझ में आएगी, है ना। अपनी बॉडी के अंदर जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है बच्चों वो है कोर्टिसोल। अब देख रहे हैं आपने कोर्टिसोल के अंदर बच्चों ये है अपना मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। बिकॉज इसके साथ आपका कोर्टिसोल भी मिलता है बॉडी के अंदर, क्या मिलता है कोर्टिसोल, क्या मिलता है कोर्टिसोल। अब ये नाम देखिए घबरा मत जाना बच्चों, ठीक है, याद रख लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी नहीं है बट याद रख लो, है ना, कि अपन को कोर्टिसोल जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है इसके साथ अपन को कोर्टिसोल भी मिलता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ये जो कॉर्टिकॉइड है ये रेगुलेट करता है आपके बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी आर कॉल्ड मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। अब देखो ये जो कॉर्टिकॉइड है बच्चों ये रेगुलेट करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन समझ गए ना, बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी, उसको अपन ने बोला मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोला है बच्चों मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मींस वाटर आयन का बैलेंस कर रहे हैं ये, कौन से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एल्डोस्टेरोन जो है बच्चों इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इन आवर बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है वो कौन सा है एल्डोस्टेरोन, कौन सा है एल्डोस्टेरोन, लिख ले अपन एल्डोस्टेरोन, ये बच्चों मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड अपनी बॉडी के अंदर, एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड इन आवर बॉडी, ये बच्चों एक्ट करता है डीसीपी पे, एल्डोस्टेरोन कहां एक्ट करता है ऑन डीसीपी, जो एब्जॉर्ब करेगा क्या वाटर एंड आयंस मींस ऑस्मोरेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना, अपने यहां पर देख ही लिया, ठीक है। सिंपल सा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर बच्चों थ्री लेयर्स में डिवाइड है, जोना रेटिकुलरिस, जोना फैसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, यहां तक चीज समझ में। एड्रिनल कॉर्टेक्स से बच्चों बहुत सारे हॉर्मोन्स निकलते हैं, उन हॉर्मोन्स को कॉमनली अपन ने बोला कॉर्टिकॉइड्स। अब ये कॉर्टिकॉइड्स बच्चों इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ऐसे हॉर्मोन्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अपना शिकार बनाते हैं, उसको अपना निशाना बनाते हैं, वो हॉर्मोन्स कौन से हैं बच्चों कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। अब बच्चों कॉर्टिकॉइड्स जो है वो रेगुलेट करते हैं आपके वाटर आयन के बैलेंस को, उसको अपन ने बोला है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। क्या बोला है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, अपनी बॉडी के अंदर जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है वो होता है एल्डोस्टेरोन, क्या होता है एल्डोस्टेरोन, जो एक्ट करता है डीसीटी पे, वहां पर वाटर और आयन का बैलेंस करता है ये, कौन सा एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन है बच्चों जो एनसीईआरटी ने बोली है वो क्या है, देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या होता है बच्चों नया ग्लूकोज बन सकता है, ठीक है, यहां पे नया ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज, न्यू ग्लूकोज के फॉर्मेशन को बोला है बच्चों ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। अब जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन है वो बनता है बच्चों नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स यहां पे लिख लो बच्चों, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर, ठीक है, यहां से बनता है बच्चों न्यू ग्लूकोज। अब नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स कौन से होते हैं बच्चों, वो फैट भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, ये बना सकते हैं आपके ग्लूकोज, फैट, अमीनो एसिड, ये आपके क्या बना सकते हैं बच्चों ग्लूकोज, न्यू ग्लूकोज, ये एनसीईआरटी ने बोला है यहाँ पर कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, न्यू ग्लूकोज के फॉर्मेशन को, वो बनते हैं आपके नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स जो होते हैं फैट, अमीनो एसिड, ये बना सकते हैं आपके ग्लूकोज, ठीक है। अब देखो बच्चों लाइपोलाइसिस अपन ने देख लिया, लिपिड्स का फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन, ठीक है बच्चों, लाइसिस मींस होता है ब्रेकडाउन, सॉरी नॉट फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन, लाइपोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लिपिड्स के ब्रेकडाउन को, प्रोटीओलाइसिस को प्रोटीन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इनहिबिट
अब ये जो लाइन है बच्चों, और इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, इसका मतलब क्या है बच्चों? देखो ये जो कॉर्टिजोल है ना, वो है हाइपरग्लाइसेमिक। ये कॉर्टिजोल भी क्या है बच्चों? हाइपरग्लाइसेमिक हॉर्मोन है, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिक मींस ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, इसलिए अपन ने कॉर्टिजोल को बोला है हाइपरग्लाइसेमिक हॉर्मोन। देखो जब भी अपन स्ट्रेस कंडीशन में होंगे, ठीक है, कॉर्टिजोल निकलता है, अपन को पता है कॉर्टिजोल प्रोड्यूसर है जब भी अपन स्ट्रेस कंडीशन में है, ठीक है। अगर अपन बहुत टाइम तक इस कंडीशन में रहे तो बच्चों अपना जो ब्लड शुगर लेवल है वो हमेशा ज्यादा रहेगा, ब्लड के अंदर ज्यादा शुगर रहेगी, है ना, ब्लड शुगर लेवल हमेशा ज्यादा रहेगा, जितना स्ट्रेस रहेंगे उतना ज्यादा ब्लड शुगर लेवल रहेगा, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज जो है बच्चों ब्लड के अंदर आ गया, वो जो ग्लूकोज है ब्लड के अंदर आ गया, अब वो वापिस सेल के अंदर नहीं जा सकता, है ना, ओनली वन वे डायरेक्शन है। ग्लूकोज ब्लड के अंदर आ गया, अब वो वापिस सेल के अंदर नहीं जा सकता वो ग्लूकोज, क्योंकि बॉडी को जरूरत है ग्लूकोज की, भाई बॉडी को जरूरत है ग्लूकोज की टू फाइट अगेंस्ट स्ट्रेस कंडीशन। अब क्यों जरूरत है स्ट्रेस कंडीशन के अगेंस्ट फाइट करना है ग्लूकोज को, है ना, तो इसलिए वो ग्लूकोज जो बॉडी ब्लड के अंदर आ गया वो वापस सेल के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है टू फाइट अगेंस्ट स्ट्रेस कंडीशन। ये इस लाइन का मतलब है बच्चों, जो लिखा हुआ है ना इनहिबिट सेलुलर अपटेक, सिंपल सा देखो तीन लाइन लिख दी इनहिबिट सेलुलर अपटेक, इसका मतलब यही है जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर आगे वो वापस सेल के अंदर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है, बॉडी को उसकी नीड है टू फाइट अगेंस्ट स्ट्रेस कंडीशन, है ना, और जितना ज्यादा स्ट्रेस अपन में रहेंगे, जितना ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन में अपन रहेंगे उतना ज्यादा ब्लड शुगर लेवल हमेशा बड़ा रहेगा, ब्लड शुगर लेवल हमेशा ज्यादा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बोला है बच्चों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कॉर्टिजोल्स है वो स्टिमुलेट करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? अमीनो एसिड्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। देखो जितना भी अमीनो एसिड है वो भी यूज होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज, है ना, सिंपल सा ये मतलब है, जितना भी अमीनो एसिड है ना वो भी यूज होगा न्यू ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। तो ये इस लाइन का मतलब था सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों जो कॉर्टिजोल है वो ऑल्सो इन्वॉल्व होता है आपके मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कैसे मेंटेन करता है ये देखो, ये जो कॉर्टिजोल है ये क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है अपनी बॉडी के अंदर, क्या कर देगा? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। अब अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज होती है। क्या होती है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, देखो लिखा हुआ ना एज वेल एज द किडनी फंक्शंस। तो ये जो कॉर्टिजोल है ये बच्चों क्या कर रहा है? आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज भी कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ रही है ना। ये मतलब था सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है जो बात हो रही कॉर्टिजोल की, वो प्रोड्यूस कर रही है एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेस द इम्यून रेस्पॉन्स। क्या कर रही है ये? एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेस द इम्यून रेस्पॉन्स, इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है देखो, विड्रॉ कर रही डब्ल्यूबीसी का फ्रॉम द साइट ऑफ इंफेक्शन, विड्रॉल डब्ल्यूबीसी। अब इस पूरी लाइन का मतलब देखो, प्रोड्यूस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, विड्रॉल डब्ल्यूबीसी फ्रॉम द साइट ऑफ इंफेक्शन, फ्रॉम द साइट ऑफ इंफेक्शन। ये भी कौन कर रहा है बच्चों? आपका कॉर्टिसोल, ठीक है, विड्रॉ कर रही डब्ल्यूबीसी को फ्रॉम द साइट ऑफ इंफेक्शन। और यही प्रॉपर्टी इसकी, यही प्रॉपर्टी कॉर्टिसोल की बच्चों यूज करते हैं अपन इसको आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। जब भी अपन कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं उसके बाद उस पेशेंट को कॉर्टिसोल दिया जाता है, ठीक है, ताकि सप्रेस हो जाए इम्यूनिटी, ठीक है। विड्रॉल डब्ल्यूबीसी फ्रॉम द साइट ऑफ इंफेक्शन, ठीक है बच्चों, ये इसलिए दिया जाता है, सप्रेस कर देता है बच्चों इम्यून रेस्पॉन्स को कॉर्टिसोल। इसलिए जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं उसके बाद पेशेंट को कॉर्टिसोल दिया जाता है, ठीक है, जो विड्रॉ कर देता है डब्ल्यूबीसी फ्रॉम द साइट ऑफ इंफेक्शन। अब नेक्स्ट लाइन जो है बच्चों कॉर्टिसोल, ये अपन अभी कॉर्टिसोल ही पढ़ रहे हैं ना, कॉर्टिसोल बच्चों स्टिमुलेट कर देता है आरबीसी के प्रोडक्शन को। किसके प्रोडक्शन को? आरबीसी के प्रोडक्शन को, ठीक है। देखो एल्डोस्टेरोन एक्ट कर रहा है एट द रीनल टिब्यूल एंड स्टिमुलेटेड द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन। अब इसका मतलब क्या है? जो एल्डोस्टेरोन है बच्चों
ये भी एक तरीके का कॉर्टिकोइड है। क्या है? ये भी एक तरीके का कॉर्टिकोइड है, लिख लो यहाँ पे, टाइप ऑफ कॉर्टिकोइड, ये भी एक तरीके का कॉर्टिकोइड है ना, जो मेनली डीसीटी पर वर्क कर रहा है। कहां पर वर्क कर रहा है बच्चों? एल्डोस्टेरोन वर्क ऑन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डीसीटी पे वर्क कर रहा है। वहां पर ये क्या कर रहा है बच्चों? सोडियम और जो वाटर है उसका रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्लस वाटर। और एक्सक्रीशन, किसका एक्सक्रीशन करा रहा है? किसको बॉडी से निकाल रहा है? पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस, इनको निकाल रहा है भाई डीसीटी से, ठीक है। अब बच्चों क्यों रिक्वायरमेंट है फॉस्फेट आयंस के निकालने की? ये पोटेशियम और फॉस्फेट आयन को क्यों निकालना है भाई? नहीं निकालो कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं, अगर पोटेशियम आयन, अगर ये पोटेशियम आयन बढ़ गया डीसीटी के अंदर तो हो जाएगा बच्चों हाइपरकैलेमिया। क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लो, अगर पोटेशियम आयन बढ़ गया तो हो जाएगा बच्चों लीड्स टू हाइपर कैलेमिया। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? हार्ट अटैक जो होता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हार्ट अटैक आ जाता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। लिख लो यहां पे डायरेक्ट हार्ट अटैक, अगर पोटेशियम बढ़ गया तो, ठीक है, तब की बात हो रही है। अगर पोटेशियम बढ़ गया तब क्या हो जाएगा? हाइपर कैलेमिया लीड्स टू डायरेक्ट हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। एल्डोस्टेरोन हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, देख लिया अपन, है ना, बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है एल्डोस्टेरोन, जो एक क्या है, टाइप ऑफ कॉर्टिकॉइड है, है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, अब एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स यहां पर बात हो रही है बच्चों किसकी? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की। किसकी? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की। नोट डाउन कर लो, यहां पर एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स की बात हो रही है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की, ठीक है। अब सिक्रीट होगा बच्चों एड्रिनल कॉर्टेक्स, है ना, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स कहां से सिक्रीट हो रहा है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। वो बच्चों इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके एक्सियल हेयर की ग्रोथ को बढ़ा रहा है, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम जो आपके बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं, हेयर्स की ग्रोथ हो रही है, फेशियल हेयर की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, एक्सियल हेयर की ग्रोथ हो रही है, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है कौन सा बच्चों? सेक्स कॉर्टिकॉइड, जो आ रहा है आपके कहां से? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। तो अपन ने देख लिया बच्चों एड्रिनल मेडुला से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, उनका वर्क, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं और उनका वर्क, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आते हैं आपके पैनक्रियास, अब देखो अब पैनक्रियास पे आ जाओ, ठीक है। पैनक्रियास बच्चों को अपन उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं पैनक्रियास को? अपन ब्लैंक पेज यूज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ पैनक्रियास, ठीक है। इसको अपन ने बोला है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या बोला बच्चों? क्योंकि इसके अंदर बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बोथ ग्लैंड्स हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड क्या है? बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, बोथ एक्सोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड एंड एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्या हो गया बच्चों? डक्टलेस ग्लैंड और एक्सोक्राइन हैविंग डक्ट, ठीक है, लिख लो डक्ट प्रेजेंट और ये डक्ट लेस, ठीक है। अब बच्चों एक्सोक्राइन बनाता है आपका पैनक्रियाटिक एसिड, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो है पैनक्रियाटिक एसिड, ठीक है। अब पैनक्रियाटिक एसिड से बनता है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है बच्चों, ये अपने डाइजेशन में देखा था पैनक्रियाटिक जूस के जो भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, डाइजेशन के अंदर क्या बना रहा है बच्चों? पैनक्रियाटिक जूस बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड, जो है डक्टलेस ग्लैंड, ये बनाते हैं आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, ठीक है। अब ये इससे प्रोड्यूस हो रहे हैं हॉर्मोन्स, कहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं बच्चों हॉर्मोन्स? पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट से आ रहे हैं, बनाते हैं आपके क्या आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, वो प्रोड्यूस करते हैं आपके हॉर्मोन्स, वो
हॉर्मोन्स अपन पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, ठीक है। ये यहाँ पर बोला गया है एनसीईआरटी के अंदर जो लाइन लिखी गई है, ये कॉम्पोजिट ग्लैंड है, ठीक है, वो एक करता है बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह, ठीक है। एंडोक्राइन पैनक्रियास कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस, दीज आर अबाउट 1 to 2 million आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस, कितने 1 to 2 million ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस इन अ नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियास, रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 to 2% ऑफ द पैनक्रियाटिक ट्यूब्स, 1 to 2% ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यूज, नॉट ज्यूस बच्चों, 1 to 2% ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यूज, ठीक है। टू मेन टाइप ऑफ सेल्स होती है बच्चों, अब देखो अपन ये सेल्स देखेंगे आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस के अंदर, आ जाओ ब्लैंक पेज के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, पेज कर लो डिवाइड, आ जाओ कौन कौन से सेल्स की बात हो रही है। फर्स्ट बात हुई बच्चों अल्फा सेल्स, ठीक है, ये क्या कर रही है बच्चों, ये प्रोड्यूस कर रही है ग्लूकागॉन, प्रोड्यूस ग्लूकागॉन, ठीक है, जो क्या करेगी ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगी, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करे मींस दे आर हाइपर ग्लाइसेमिक हॉर्मोन्स, क्या हुई ये हाइपर ग्लाइसेमिक हॉर्मोन्स, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं बच्चों, क्या ग्लूकागॉन वो प्रोड्यूस हो रही है अल्फा सेल्स से, ठीक है। नेक्स्ट आती है बच्चों बीटा सेल्स, ये क्या कर रही है, ये प्रोड्यूस कर रही है इंसुलिन को, प्रोड्यूस इंसुलिन, अब इंसुलिन जस्ट अपोजिट होता है किसके बच्चों ग्लूकागॉन के, है ना, ये क्या है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ब्लड शुगर लेवल को कम कर रही है, क्या है ये हाइपो ग्लाइसेमिक हार्मोन, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को कम कर रही, अपोजिट है इंसुलिन और ग्लूकागॉन बच्चों, दे आर एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक मतलब ये अपोजिट वर्क कर रही है, ठीक है। लाइपोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस लिपिड्स का फॉर्मेशन कर रही है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर रही है, क्या बोलेंगे प्रोटियोजेनेसिस, ठीक है। अब बच्चों देखो जब भी कुछ अपन को बनाना है, जब भी कुछ अपन को फॉर्म करना है तब इंसुलिन यूज करेंगे, ठीक है, तब इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा। देखो बॉडी के अंदर जब भी कोई चीज बनाना है जैसे लिपिड्स बनाने हैं, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करना है, लिपिड्स का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को कम करना है, तो होता है बच्चों इंसुलिन का यूज, ठीक है। ये है बच्चों बीटा सेल्स जो प्रोड्यूस कर रही है इंसुलिन। नेक्स्ट आती है बच्चों गामा सेल्स, ये क्या कर रही है, ये प्रोड्यूस कर रही है बच्चों सोमेटोस्टैटिन। अब ये वर्ड जो है ये सोमेटोस्टैटिन है, ये और कहीं से भी आता है बच्चों, याद करो अपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, ये सोमेटोस्टैटिन कहाँ से आ रहा है, और ये आ रहा है बच्चों हाइपोथैलेमस से भी आता है, ठीक है, ये आपके हाइपोथैलेमस से भी आता है, ठीक है, सोमेटोस्टैटिन। तो ये क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है किसको, रेगुलेट आपके अल्फा एंड बीटा सेल्स को, ये जो ऊपर जो है अल्फा सेल्स जो प्रोड्यूस कर रही है ग्लूकागॉन, बीटा सेल जो प्रोड्यूस कर रही है इंसुलिन, इसको रेगुलेट करते हैं, दोनों को रेगुलेट करता है बच्चों सोमेटोस्टैटिन, और सोमेटोस्टैटिन प्रोड्यूस होता है आपके गामा सेल्स से। नेक्स्ट है बच्चों एफ सेल्स, एफ सेल्स क्या कर रही है बच्चों, ये प्रोड्यूस करती है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, आई होप आप भी बच्चों नोट कर रहे होंगे, एफ सेल्स क्या कर रही है प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या करती है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूस कर रही है कौन, एफ सेल्स, और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड बच्चों इनहिबिट करती है पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को, किसको इनहिबिट करती है पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को, नोट डाउन करो बच्चों इनहिबिट पैनक्रियाटिक जूस, पीजे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, सिक्रीशन इनहिबिट करती है पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को कौन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, और वो प्रोड्यूस हो रही है बच्चों एफ सेल्स से। तो ये पॉइंट देखिए बच्चों अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स एंड एफ सेल्स, ठीक है, यही इसके अंदर दिया गया है बच्चों। अब आप रीड करोगे आराम से आपको चीज समझ में आती है, देखो रेड से लिखा हुआ है ना, द अल्फा सेल सीक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागॉन व्हिच व्हाइल द बी सेल सीक्रेट इंसुलिन, अब इंसुलिन ग्लूकागॉन दोनों बच्चों एंटागोनिस्टिक है एक दूसरे के, ठीक है। नेक्स्ट लाइन जो है बच्चों ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, अब ये पेप्टाइड हार्मोन से, अब आज आप फर्स्ट लेक्चर याद करो पेप्टाइड हार्मोन से, ठीक है, तो इसके रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होंगे बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होंगे, है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर पाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये जो हॉर्मोन्स है ये जो ग्लूकागॉन है,
ठीक है, ये जो पेप्टाइड हॉर्मोन है ये डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर पाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसलिए प्रेजेंट होंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, अपन ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, अब ये जो ग्लूकागोन है प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ये क्या कर रहा है बच्चों, ये एक्ट कर रहा है लिवर सेल्स पे। ठीक है, लिवर सेल्स पे एक्ट कर रहा है ये, है ना। अब ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करता है ग्लूकागोन, इसको मेंटेन करता है ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करता है आपका ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन एक्ट्स मेनली ऑन द लिवर सेल्स, ये अपन ने देख लिया था। ठीक है, कहां पर एक्ट करते हैं, लिवर सेल्स पे एक्ट कर रहे हैं, स्टिमुलेट ग्लूकोजिनोलाइसिस। किसको स्टिमुलेट कर रहे हैं बच्चों, ये ग्लूकोजिनोलाइसिस को। देखो यहां पर आ जाओ, जो ग्लूकागोन है वो स्टिमुलेट कर रहे हैं बच्चों किसको, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, पहले आ जाओ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ये अपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन को क्या बोला है बच्चों, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ग्लूकागोन जो है बच्चों ये स्टिमुलेट कर रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब न्यू ग्लूकोज के फॉर्मेशन को भी स्टिमुलेट करता है ग्लूकागोन। अब देखो ये चीज अपन ने कॉर्टिसोल के अंदर भी देखी थी, कॉर्टिसोल भी ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टिमुलेट कर रहा है और यहाँ पे ग्लूकागोन भी कर रहा है। तो ग्लूकागोन को अपन ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, देखो ग्लूकागोन जो है वर्क लाइक कॉर्टिसोल, किसकी तरह वर्क कर रहा है, वर्क लाइक कॉर्टिसोल। ठीक है, यहां तक समझ में आया, ग्लूकागोन भी हाइपरग्लाइसेमिक हॉर्मोन है। ठीक है बच्चों, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा रहा है। ठीक है, और कॉर्टिसोल भी यही वर्क कर रहा है ना, न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, ग्लूकागोन भी न्यू ग्लूकोज के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। वो न्यू ग्लूकोज कैसे बनता है, फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर, आपने देखा था, वो फैट भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, वो बनाते हैं क्या, न्यू ग्लूकोज, है ना, अपने ऊपर देख लिया सब कुछ। नेक्स्ट बच्चों आते हैं इंसुलिन। अब देखो इंसुलिन, इंसुलिन भी पेप्टाइड हार्मोन है, ग्लूकागोन भी पेप्टाइड हार्मोन था, इंसुलिन भी पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेम्ब्रेन बॉल रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंसुलिन प्ले करता है बच्चों इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होमियोस्टेसिस। देखो इसका सिंपल सा मतलब क्या है बच्चों, इंसुलिन जो है एक्ट करता है आपके हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। ठीक है, हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स पे ये एक्ट करेगा। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा बच्चों, सेल में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे ब्लड का ग्लूकोज कम हो जाएगा। इंसुलिन क्या कर रहा है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम कर रहा है ना। क्या हुआ यहाँ पे, हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पे इसने एक्ट किया। ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ, सेल में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ये सेल में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। ठीक है, सेल में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो ब्लड का ग्लूकोज कम हो गया, ब्लड का जो ग्लूकोज है बच्चों वो कम हो गया। ठीक है, अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट कम हो गया। ठीक है, अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट कम हो गया तो इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या है, दे आर एंटागोनिस्टिक, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है। ग्लूकागोन तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल था उसको बढ़ा रही थी, इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, क्योंकि वो सारा ग्लूकोज कहाँ चल गया, सेल में चल गया, है ना, सेल के अंदर चल गया ये ग्लूकोज, समझ गए। तो वही यहां पर बोला गया बच्चों, देखो एनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, कौन सा, इंसुलिन। देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड का ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, उसको क्या बोला है, हाइपोग्लाइसीमिक। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन स्टिमुलेट करेगा कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, टारगेट सेल जो है वहां पर कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज को किसमें, ग्लाइकोजन में। ठीक है, ये जो ग्लूकोज है होमियोस्टेसिस ब्लड के अंदर इज दस मेंटेन्ड जॉइंटली बाय द टू इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। वही इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या है बच्चों, दे आर एंटागोनिस्टिक। ठीक है, लिख लें अपन, इंसुलिन एंड एंड ग्लूकागोन, दे आर एंटागोनिस्टिक, मीन्स दे आर ऑपोजिट,
एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये था बच्चों सिंपल सा मतलब इंसुलिन और ग्लूकागोन का, ठीक है, जो पैनक्रियास से आते हैं आपके। नेक्स्ट बच्चों है प्रोलोंग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज इनफेक्टस। अब देखो बहुत समय तक अगर हाइपरग्लाइसीमिया रहता है, बहुत समय तक अगर ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज रहता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर बहुत समय तक ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज रहता है तो डिसऑर्डर हो जाता है, उसको बोलते हैं डायबिटीज मिलिटस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज मिलिटस। और एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, वो कैसे हो रहा था बच्चों, एडीएच की वजह से। एडीएच क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है वाटर एंड आयंस का, जिसकी वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन निकलता है। अगर एडीएच की डेफिशिएंसी हो गई तो बच्चों हो जाता है डिसऑर्डर डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। पर डायबिटीज मेलिटस कैसे हो रहा है, बहुत समय तक ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज रहता है, ठीक है, तो हो जाता है बच्चों डायबिटीज मेलिटस, विच इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स नोन एज कीटोन बॉडीज। जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, यूरिन के अंदर ग्लूकोज निकलेगा, ठीक है, एक हार्मफुल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो हार्मफुल कंपाउंड्स कौन से बच्चों, कीटोन बॉडीज, ठीक है। अब देखो कीटोन बॉडीज यहाँ पर आ जाओ, कीटोन बॉडीज देखो, कीटोन बॉडीज बच्चों बनती है बीटा ऑक्सीडेशन से। किससे? बीटा ऑक्सीडेशन से। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो कीटोन बॉडीज है ये फैट मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट होती है। किसका? फैट मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट हुई। अब ये फैट मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट हुई, ठीक है, कौन से बच्चों, कीटोन बॉडीज फैट मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर कीटोन बॉडीज यूरिन में आता है तो उसको बोलते हैं बच्चों कीटोन यूरिया। अगर कीटोन बॉडीज यूरिन में आता है इन यूरिन तो उसको बोलते हैं बच्चों अपन क्या, कीटोन यूरिया, ठीक है, समझ गए। कीटोन बॉडी क्या है बच्चों, हार्मफुल कंपाउंड है ना, पर ये बनता है आपके बीटा ऑक्सीडेशन से, मतलब ये फैट मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। ये जो पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज के बच्चों, इनको इंसुलिन दिया जाता है एक इंजेक्शन के फॉर्म में, ठीक है, इंजेक्शन के फॉर्म में इंसुलिन दिया जाता है, उसको बोलते हैं बच्चों ह्यूमुलिन। क्या बोलते हैं? ह्यूमुलिन, लिख लो यहाँ पर बच्चों। अपन के गोई में हमेशा की तरह बोलूंगा स्पेस का इशू है, इसलिए मैं कहता हूँ साथ के साथ आप भी नोट डाउन करते रहो, ठीक है। ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी बच्चों साइट पर www.sochin.net पर, ठीक है, कोई लोड नहीं लेना है, साथ के साथ नोट डाउन करोगे आराम से चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं बच्चों, उनको इंसुलिन दिया जाता है एक इंजेक्शन की फॉर्म में, उसको बोलते हैं बच्चों ह्यूमुलिन, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बच्चों टेस्टिस। अब टेस्टिस बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटल से आउटसाइड एब्डोमेन ऑफ मेल इंडिविजुअल। आप पढ़ते आए हो हमेशा ही, ठीक है, पहले पढ़ के आए होंगे क्यों बाहर प्रेजेंट होती है ये टेस्टिस एब्डोमेन पे, आउटसाइड एब्डोमेन क्यों प्रेजेंट होती है, टू मेंटेन 2 टू 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेंपरेचर एज कंपेयर टू बॉडी टेंपरेचर, ठीक है। अपनी बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेंपरेचर चाहिए टेस्टिस को, इसलिए ये प्रेजेंट होती है आउटसाइड एब्डोमेन, ठीक है। अब टेस्टिस परफॉर्म करती है बच्चों टू फंक्शंस। अब कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है टेस्टिस, एज सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ये दो फंक्शंस टेस्टिस प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही होता है बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, यही होता है बच्चों कहां पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है, वही लिखा हुआ है। एंड स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यूज, क्या बोलते हैं इसको, और इंटरस्टिशियल टिश्यूज, लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन इंटरट्यूबुलर स्पेसेस प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन मेनली टेस्टोस्टेरोन। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो इसको एक चार्ट के फॉर्म में अपन समझेंगे, ICSH, ये क्या है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, इंटर सेल स्टिम्युलेटिंग, ठीक है, ये वर्क करेगा आपके लेडिक सेल्स में, वर्क ऑन लेडिक सेल्स, ये वर्क करेगा आपके लेडिक सेल्स में, ठीक है। वो प्रोड्यूस करेगा एंड्रोजन,
क्या प्रोड्यूस करेगा? एंड्रोजन। अब एंड्रोजन प्रोड्यूस हो गया, मेनली कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, मेनली टेस्टोस। ठीक है, हो गया प्रोड्यूस एंड्रोजन मेनली टेस्टोस्टेरोन, वही ये लाइन बोली है यहाँ पर। ठीक है, जो इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है आईसीएस है, वो वर्क करेगा बच्चों रेडी सेल्स पर। ठीक है, रेडी सेल्स पे वर्क करा, प्रोड्यूस होगा वहां से एंड्रोजन, एंड्रोजन मेनली टेस्टोस्टेरोन। अब देखो जो एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट करेगा डेवलपमेंट मैच्योरेशन एंड फंक्शंस ऑफ द मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल्स प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा एक्सेट्रा, ये सब प्रेजेंट है ठीक है टेस्टिस के। अब बच्चों देखो जो टेस्टोस्टेरोन है वो स्टिमुलेट करेगा आपके मसल्स की ग्रोथ को, अब मस्कुलर ग्रोथ बना रहा है, मसल्स बना रहा है, तो ये क्या है बच्चों? एनाबॉलिक इफेक्ट है। ये क्या है बच्चों? जो मसल्स की ग्रोथ हो रही है ये एनाबॉलिक इफेक्ट है। एनाबॉलिक इफेक्ट मतलब मसल्स बन रही है, ठीक है, कौन बना रहा है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है मसल्स की ग्रोथ बना रहा है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, जो आपकी दाढ़ी आ जाती है, बियर्ड, मोस्टेज, वो ये हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर। ठीक है, एग्रेसिवनेस, आजकल जो गुस्सा होता है लड़कों के अंदर वो ऐसे गुस्सा नहीं होता, उसके पीछे एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, वो हार्मोन कौन सा होता है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, लो पिच ऑफ वॉइस, जो भारी आवाज आती है ना, जैसे हाँ भाई क्या कर रहा है, हेलो, ऐसी, ये जो भारी वॉइस होती है बच्चों, ठीक है, मैं आपको करके बता रहा, मेरी असली में ऐसी वॉइस नहीं है। ठीक है बच्चों, ये जो लो पिच वॉइस है उसके लिए भी कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? आपका टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। अब ये जो एंड्रोजन है बच्चों प्ले अ मेजर स्टिमुलेटिंग रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ये अपने देख लिया कहां पर हो रहा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। एंड्रोजन एक्ट करता है बच्चों आपके सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में, मतलब यहां पर बात हो रही है हाइपोथैलेमस की, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम मींस हाइपोथैलेमस की बात हो रही है। ठीक है, वहां पर एक्ट करेगा है इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर लिबिडो। लिबिडो मतलब क्या होता है बच्चों? अर्ज फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी इन मेल्स। लिबिडो मतलब अर्ज फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी इन मेल्स की बात हो रही है ना, एंड्रोजन्स मेनली टेस्टोस्टेरोन उसकी बात हो रही, उस पर एक्ट करेगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जो अर्ज होती है सेक्सुअल एक्टिविटी की उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दीज हॉर्मोन्स प्रोड्यूस एनाबोलिक सिंथेटिक इफेक्ट, वो अपने देख लिया, एनाबोलिक मीन्स देखा था ना मस्कुलर ग्रोथ, मसल्स बन रही है तो एनाबोलिक इफेक्ट है ऑन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म। ये क्या करेगा बच्चों? जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है बॉडी में उनको जोड़कर रखेगा, कौन सा बच्चों? हॉर्मोन टेस्टोस्टेरोन, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है बच्चों आपकी ओवरी। अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन अपन रीड करते हैं, पहले क्या बोला है? फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन द एब्डोमन, कहां पर प्रेजेंट है? एब्डोमन में वन पेयर ऑफ ओवरी। ठीक है, ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस एन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो ओवरी क्या है बच्चों? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करता है आपके ओवम गैमेट को। ठीक है, यहां तक इसने ये बोला है। ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स कॉल्ड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कौन से दो हॉर्मोन्स है? स्टेरॉयडल हॉर्मोन। अब स्टेरॉयडल हॉर्मोन याद करो फर्स्ट लेक्चर में, इनके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म में। उनके रिसेप्टर्स को क्या बोला अपने? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स आ गए मतलब इनके रिसेप्टर्स, इन दोनों हॉर्मोन्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। ठीक है, ओवरी इज कंपोज ऑफ ओवरी फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। ठीक है, अब देखो बच्चों ये अपन ऐसे समझते, आई होप रिप्रोडक्शन के अंदर आप ये चीज समझ के आए होंगे। ठीक है, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। देखो ये क्या है आपके फॉलिकल सेल्स, ये क्या है बच्चों? फॉलिकल सेल्स। ठीक है, और ये क्या है? ओवम। ये है बच्चों ओवम। अब फॉलिकल सेल्स के अंदर बच्चों क्या है? ईस्ट्रोजन हॉर्मोन्स। फॉलिकल सेल्स के अंदर बच्चों क्या है? ईस्ट्रोजन। अभी बनेंगे आगे, ये जो स्ट्रक्चर है ये आगे क्या बनता है? मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल्स में। किसमें बनता है? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स में। ठीक है, उसमें बनता है। ठीक है, यहां से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, पता है ना आपको कौन सा? सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है।
कि आप देख चुके हैं बच्चों, है ना, रिप्रोडक्शन आपने पढ़ लिया होगा ही पूरा। फॉलिकल सेल्स के अंदर एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स बनते हैं, ठीक है। आगे क्या बना, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल्स, वो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है यहां से, ठीक है। जो बचा हुआ जो फॉलिकल है, रिमेनिंग फॉलिकल्स और प्लस मेम्ब्रेन, रिमेनिंग फॉलिकल्स प्लस मेम्ब्रेन बना देगा आपका कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बना देगा? कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम बच्चों कहां से आया आपके? अब ये कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, है ना। कहां से बना? रिमेनिंग जो फॉलिकल्स और जो मेम्ब्रेन थी वहां से बना देगा कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम बच्चों सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरोन। क्या सिक्रीट करेगा? आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बच्चों क्या करेगा? सपोर्ट करेगा प्रेगनेंसी के टाइम, सपोर्ट प्रेगनेंसी एंड स्टिमुलेट एल्वियोलाई, एल्वियोलाई को स्टिमुलेट करेगा। एल्वियोलाई क्या है बच्चों? सेक लाइन स्ट्रक्चर है ना, लिखा हुआ ना, एल्वियोलाई सेक लाइन स्ट्रक्चर जो स्टोर करता है आपके मिल्क को और मिल्क के सिक्रीशन को, है ना। वही यहाँ पर लिखा गया, देखो पढ़ लेते हैं। द एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, वो अपन ने देख लिया, है ना। आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। जो रिमेनिंग जो फॉलिकल और मेम्ब्रेन है वो क्या बना लेगी, किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी? कॉर्पस ल्यूटियम में, जो सीक्रेट करता है आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए वो होता है बच्चों ईस्ट्रोजन। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एग्जाम्पल हाई पिच ऑफ वॉइस। लड़कों की वॉइस कैसी होती है बच्चों? हाई पिच ऑफ वॉइस होती है, ठीक है। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होता है? ईस्ट्रोजन। मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर जो होते हैं उसको भी स्टिमुलेट करता है, उसको भी रेगुलेट करता है बच्चों ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन बच्चों सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। प्रोजेस्टेरोन कहाँ से आया? कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से आया? जो रप्चर्ड फॉलिकल्स से जो मेम्ब्रेन थी उससे कन्वर्ट हुआ वो स्ट्रक्चर बना कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन बच्चों एक्ट करेगा मेमोरी ग्लैंड को और स्टिमुलेट करेगा एल्वियोलाई के फॉर्मेशन को, स्टिमुलेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? सेक लाइक स्ट्रक्चर जो अपन ने देखा अभी, ठीक है, जो स्टोर करेगा मिल्क और मिल्क के सीक्रेशन को, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों, खत्म हो गई। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मींस एक्सोक्राइन, ठीक है। अब ये जो हॉर्मोन्स है बच्चों ये देखो हमारा हार्ट का जो आर्टरी है, ठीक है, ये हार्ट मान लो, ठीक है, यहाँ का जो आर्टरी है हमारे हार्ट का जो आर्टरी है वो प्रोड्यूस करता है बच्चों हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ANF। ये कौन सा हार्मोन है? एड्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ये प्रोड्यूस कर रहा है कौन? अपने हार्ट का आर्टरिया, ठीक है, जो क्या करेगा बच्चों? वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन, अब वैसोडाइलेशन करेगा ये, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर लो हो गया तो GFR जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है बच्चों वो भी लो हो जाएगी, ठीक है। देखो ANF क्या कर रहा है बच्चों? वैसोडाइलेशन कर रहा है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी लो हो जाएगी, ठीक है, ये याद रखना है अपन को। ANF क्या करेगा बच्चों? इनहिबिट करेगा रेनिन के सिंथेसिस को, इनहिबिट रेनिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, ठीक है, नोट डाउन कर लो बच्चों साथ के साथ। ANF और क्या काम करेगा? इनहिबिट करेगा ADH के सिक्रीशन को, इनहिबिट ADH सिक्रीशन, ठीक है। ये जो जो काम है ये कर रहा है आपके ANF, क्या कर रहा है? वैसोडाइलेशन कर रहा है, डायलेशन कर रहा है ब्लड वेसल्स का, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी लो हो जाएगी, ठीक है। इनहिबिट कर रहा है रेनिन के सिक्रीशन को और इनहिबिट कर रहा है ADH के सिक्रीशन को। और ANF कहां से आ रहा है बच्चों? आपके हार्ट के आर्टरीज, ठीक है, लिखा हुआ है। देखो आर्टेरियल वॉल ऑफ हार्ट सीक्रेट अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन हो गया मतलब इसके रिसेप्टर कहां होंगे? मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स होंगे, है ना। ANF एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर जो डिक्रीज करता है आपके ब्लड के प्रेशर को, ठीक है, वैसोडाइलेशन करेगा। व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड ANF इज सीक्रेटेड, ठीक है, विच कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। जब ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ANF सिक्रीट होगा जो आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, ठीक है।
दिस रिड्यूसेस दी ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और GFR भी लो हो जाएगा। तो ये काम बच्चों AMF का जो आ रहा है आपके हार्ट के आर्टरीज, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों द डस्टर ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, किडनी के अंदर जो JGM सेल्स होती है वो प्रोड्यूस करती है पेप्टाइड हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स फिर आ गया मतलब मेम्ब्रेन बोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जिसको बोला है एरिथ्रोपोएटिन। क्या बोला है? एरिथ्रोपोएटिन, जो स्टिमुलेट करेगा बच्चों RBCs के प्रोडक्शन, स्टिमुलेट लिख लेते हैं यहां पर, जो स्टिमुलेट करेगा इसको एरिथ्रोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ RBCs को क्या बोला है बच्चों अपन एरिथ्रोपोएसिस, ठीक है। अब देखो बच्चों 4 पेप्टाइड हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, अपन आ जाते हैं 4 पेप्टाइड हॉर्मोन। फर्स्ट आता है बच्चों गैस्ट्रिन, जो आपके प्रोड्यूस होता है बच्चों स्टमक से, जी सेल जो होती है प्रोड्यूस फ्रॉम स्टमक, जी सेल्स लिख लो, ठीक है। गैस्ट्रिन कहां से प्रोड्यूस होगा बच्चों? आपके स्टमक के जी सेल्स से, ठीक है। गैस्ट्रिन क्या करेगा बच्चों? स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब जैसे आप गए बच्चों किसी शादी में, किसी मैरिज के अंदर गए, ठीक है, पास में बर्गर का स्टॉल है, पिज्जा चाउमीन नूडल्स सब का स्टॉल लगा हुआ है, ठीक है, आपको देख देख कर क्या हो रहा है? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो रहा है आपके स्टमक के अंदर, ठीक है। अब उसी टाइम आपकी मम्मी ने आपको बुला लिया कि इस रिलेटिव से आपको मिलना है, ठीक है, आपको बहुत तेज भूख लग रही थी, आपकी मम्मी ने आवाज लगाई कि इधर आना भाई, इस रिलेटिव से आपको मिला दिया, उससे बातें करने के लिए आपको बैठा दिया। अब आपके तो पेट के अंदर ऐसे निकलना चालू हो गया, ठीक है, आपके पेट के अंदर ऐसे निकल चुका और बनने लगी गैस। क्या बनने लगी थी बच्चों? गैस बन गई, ये तो हो गई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, है ना भाई, आपको बहुत तेज भूख लग रही थी, आपकी मम्मी ने उधर से आवाज लगा दी इधर आ भाई चिंटू, है ना। तो क्या हुआ आपके पेट के अंदर तो एसिड बनना चालू हो गया क्योंकि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होने लग गया था, है ना। तो ये जो काम होता है बच्चों ये करता है आपका गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिन क्या काम करता है? गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को करता है, ठीक है। अब यहाँ पर पेट के अंदर गैस बनने लगी, एसिड बनने लग गया, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन बच्चों है सिक्रीटिन, ये सारे लोकल हार्मोन से ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से पढ़ा था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन उसके अंदर अपने देखे थे, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों सिक्रीटिन, इसको बोला अपन ने फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड, ये पहला हार्मोन है बच्चों जो डिस्कवर था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये आपको प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों ड्यूडेनम से, प्रोड्यूस फ्रॉम ड्यूडेनम से प्रोड्यूस हो रहा है आपका ये हार्मोन, ठीक है बच्चों। और ये सिक्रीटिन जो है बच्चों ये वर्क कर रहा है कहां पर? पैनक्रियास पर, वर्क ऑन पैनक्रियास एंड लिवर। अब लिवर और पैनक्रियास पे वर्क कर रहा है तो क्या निकलेगा? बाइकार्बोनेट आयन। ये सिक्रीटिन क्या सिक्रीट करा रहा है? बाइकार्बोनेट आयन्स, सिक्रीट बाइकार्बोनेट आयन्स, ठीक है। अब बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट है, इसका क्या काम है? देखो चिंटू के पेट में जो एसिड बनना चालू हुआ, ठीक है, और जो गैस बनना चालू हो गई, अब वो गैस से परेशान हो गए आसपास जो उसके बैठे थे, ठीक है, उन आसपास में से जो बैठा था मोनी में से एक जो था वो जो है चिंटू की गैस से परेशान हो गया और बेहोश हो गया, ठीक है, वो बेहोश हो गया। अब वो बंदा जो बेहोश हुआ सब घबरा गए, तो वेटर आया है ना, उसने खिलाए पकौड़े उस बेहोश बंदे को कि भाई कुछ खिलाओ इसको, तो पकौड़े खिलाए, तो चिंटू का मन हुआ क्योंकि भूख तो चिंटू को लग रही थी, चिंटू ने क्या करा वो पकौड़े खा लिए, ठीक है, तो उसके पेट के अंदर हो गया बच्चों एसिडिक माहौल। कौन सा माहौल हो गया? चिंटू के पेट के अंदर हो गया बच्चों एसिडिक माहौल। अब वो जो पकौड़े वो कहाँ जाएंगे? इंटेस्टाइन में जाएंगे, तो एसिड कहाँ जा रहा है? इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है, तो बाइकार्बोनेट आयन क्या करेगा बच्चों? जो एसिडिक खाना है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा बाइकार्बोनेट आयन जो सिक्रीट हो रहे हैं पैनक्रियास और लीवर से, ठीक है। पैनक्रियास और लीवर पे कौन वर्क कर रहा है? सिक्रीटिन। तो सिक्रीटिन क्या कर रहा है? बायोकार्बोनेट आयन्स का फॉर्मेशन कर रहा है जो न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिडिक खाने को, चिंटू के पेट के अंदर जो एसिडिक खाना है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है बायोकार्बोनेट आयन्स, ठीक है। तो ये काम होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों CCK, कोलियोसिस्टोकाइनिन, ठीक है, ये भी आपका प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों ड्यूडेनम से। कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? ड्यूडेनम से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये बच्चों एक्ट करता है कहाँ पर? गॉल ब्लैडर। कहाँ पर?
एक्ट ऑन गॉल ब्लैडर, ठीक है, जो क्या कर बनाती है बच्चों, गॉल ब्लैडर के अंदर क्या बनता है, बाइल बनता है, ठीक है, और सीसी के एक्ट करती है आपकी पैनक्रियास पर, ठीक है, पैनक्रियास पर एक्ट करता है जो पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर के अंदर क्या बनता है बच्चों, बाइल जूस, ठीक है। ये सारे जूस अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखे हैं और इनके वर्क भी देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है बच्चों एनसीईआरटी के अंदर जो दिया गया है सीसीके के बाद वो क्या है, देखो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये भी बच्चों ड्यूडेनम से प्रोड्यूस हो रहा है, कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यूडेनम, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों, इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन, इनहिबिट गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन, स्टिमुलेट कौन कर रहा था, देखो यहां पर स्टिमुलेट कौन कर रहा था, गैस्ट्रिन कर रहा था गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को स्टिमुलेट, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा था, गैस बन रही थी और सीक्रेटिन क्या कर रहा है, बाइकार्बोनेट आयन का सीक्रेशन कर रहा है, पैनक्रियास और लीवर पर वर्क करके बाइकार्बोनेट आयन का सीक्रेट कर रहा है जो वो एसिडिक खाने को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, सीसी के ड्यूडेनम पे वर्क करेगा जो बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस बनाते हैं, बाइल जूस गॉल ब्लैडर, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियास से आ रहा है उन पे वर्क करता है कौन, सीसी के कोलेसिस्ट्रोकाइनेज, जीआईपी जो है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये भी ड्यूडेनम से आ रहा है बच्चों, ये इनहिबिट कर रहा है गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को, स्टिमुलेट कौन कर रहा था, गैस्ट्रिन, और इनहिबिट कौन कर रहा है, जीआईपी, यही बच्चों इसके अंदर लिखा गया है, ये पूरे के अंदर वही लिखा गया है जो अपन ने पॉइंट टू पॉइंट चीज समझ ली। अब ये जो लाइन है देखो यहाँ पर एक लाइन है, सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन, उनको बोला है बच्चों ग्रोथ फैक्टर्स, क्या है ये, नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज जो है बच्चों वो सिक्रीट कर रहे हैं हॉर्मोन, वो है ग्रोथ हॉर्मोन, ग्रोथ फैक्टर्स, क्या है बच्चों वो ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है, ये फैक्टर बच्चों क्या कर रहे हैं, दीज फैक्टर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज की नॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, उसकी रिपेयर, ठीक है, और उसकी रीजनरेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है बच्चों, कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आते हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, भाई कैसे एक्ट करते हैं हार्मोन्स, ठीक है, उसका पूरा मैकेनिज्म देखो। अब कोई शिकारी है वो जंगल में गया शिकार करने, पर एक पर्टिकुलर जानवर का है उसको शिकार करना है, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर जानवर का शिकार करेगा, कोई और जानवर का तो शिकार नहीं करने लग जाएगा ना, वो जो घर से सोच कर गया कि मैं तो आज इसी का शिकार करूंगा तो उसको उसी का शिकार करना है, तो वही बात हो रही है, देखो जो हॉर्मोन है, जो हॉर्मोन का रिसेप्टर है वो टारगेट टिश्यू पर ही प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो हार्मोन है जहां पर उसको एक्ट करना है उसी टारगेट टिश्यू पे उस हार्मोन का रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, वही यहाँ पर लिखा गया है, जो हार्मोन है प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर, ठीक है, हार्मोन्स का रिसेप्टर जो है बच्चों टारगेट टिश्यू पर ही प्रेजेंट होगा, समझ गए, ठीक है। अब देखो अपन ने देखे थे बच्चों प्रोटीनिशियस हार्मोन, देखे थे ना प्रोटीनिशियस हार्मोन, उनके अंदर रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट थे, मेम्ब्रेन पे, ये थे ऐसे थे ना मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स, ये थे प्रोटीनिशियस हार्मोन अपने देखे थे, क्योंकि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर पाते बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्रेजेंट होते हैं आपके मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स, मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स, ठीक है, और जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं बच्चों वो आराम से क्रॉस कर पाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, इसको क्या बोला था अपन ने इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, ठीक है, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर बोला, ठीक है बच्चों, यही चीज अपन ने फर्स्ट लेक्चर में देख ली है, ठीक है। अब अपन देखो समझेंगे कौन कौन से हॉर्मोन से ग्रुप में जो इनको डिवाइड किया उनके केमिकल नेचर के बेसिस पे, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हॉर्मोन जो है इंसुलिन ग्लूकागोन पिट्यूटरी हॉर्मोन हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन, ठीक है, इनके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों वो होते हैं आपके कौन से, ऐसे लिख लेते हैं फर्स्ट कौन से रिसेप्टर्स हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोडियोल प्रोजेस्टेरोन, इनके अंदर अपन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स, अपने देखे थे ना फर्स्ट लेक्चर में इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है थर्ड वो क्या है बच्चों, आयोडोथायरोनिन जो है थायरॉयड हॉर्मोन,
इनके अंदर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? इनके रिसेप्टर्स भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, तो इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स। फोर्थ वन जो है बच्चों, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, अपने देखे थे ना बायोजेनिक अमाइन्स, ठीक है, वो उनके रिसेप्टर्स को क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। ये बात हो गई बच्चों इन हॉर्मोन्स के रिसेप्टर्स की, ठीक है, अपन ने इनके रिसेप्टर्स देख लिए। अपन ने रिसेप्टर्स वाला जो टॉपिक था वो फर्स्ट लेक्चर में देखा था, दो ब्लैंक पेज के अंदर, आई होप आप सबको वो याद हो, ठीक है बच्चों। वही ये पेप्टाइड हॉर्मोन्स जो है उनके अंदर रिसेप्टर्स हो गए मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, क्योंकि इनके जो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर पाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। नेक्स्ट है स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स, इनके रिसेप्टर्स इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं बिकॉज दे आर फैट सॉल्युबल इन नेचर। आयोडोथायरोनेस थायरॉइड हॉर्मोन्स होते हैं, दे आर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ठीक है, आयोडीन आ गया यहाँ पर क्योंकि तो नेचर कैसा हो गया फैट सोलेबल हो गया, तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं, इनके भी जो हॉर्मोन्स होते हैं जो एपिनेफ्रिन होते हैं एड्रेनालिन होते हैं ये डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर पाते मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसलिए होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, ठीक है बच्चों। अब ये जो पूरे पैराग्राफ है ये अपन समझेंगे बच्चों एक डायग्राम की हेल्प से जो एनसीईआरटी में दिया गया है। देखो क्या डायग्राम दिया गया है, देखो यहाँ पर कहा है डायग्राम, ये अपन ले लेते हैं बच्चों हार्मोन एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन ले लो, ठीक है, इसको क्रॉस कराना है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, अपन ने ले लिया बच्चों एड्रेनलिन। अब ये है बच्चों वाटर सॉल्युबल, पता है ना अपन को, अपने देखा था ये है वाटर सॉल्युबल, ठीक है, तो इनके अंदर जो रिसेप्टर्स होंगे वो कौन से होंगे मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स, ठीक है ना, वाटर सॉल्युबल है तो रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स है। अब बच्चों इसको क्रॉस कराना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये क्या है रिसेप्टर, कौन सा मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये हार्मोन कहाँ आया मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स, ठीक है, रेस्पॉन्स जनरेट हुआ, ठीक है। अब बच्चों देखो एक चीज याद रखो, ये जो एड्रेनलिन है ये है प्राइमरी मैसेंजर, ये क्या है प्राइमरी मैसेंजर। अब ये बच्चों रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो गया, हार्मोन रेस्पॉन्स जनरेट हुआ, ठीक है, तो बना कैंप, क्या बना सी ए एम पी, और ये है बच्चों सेकेंडरी मैसेंजर, ये क्या है बच्चों सेकेंडरी मैसेंजर, फर्स्ट मैसेंजर एड्रेनलिन, सेकेंडरी मैसेंजर कैंप, ठीक है, साइक्लिक एएमपी, ठीक है। अब ये क्या करेगा बच्चों बायोकेमिकल रेस्पॉन्स करेगा, आगे जाके बायोकेमिकल रेस्पॉन्स क्या होगा ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा किसके अंदर ग्लूकोज के अंदर। अब ये ग्लूकोज बाहर निकलेगा और कहाँ जाएगा ब्लड के अंदर, अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ठीक है, ब्लड के अंदर क्या हुआ ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ठीक है, ये काम करेगा कौन अपना एड्रेनलिन, क्या हुआ ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज कर रहा है, वो ग्लूकोज कहाँ से आया ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। ये था बच्चों ये जो रेस्पॉन्स है, देखो ये जो रेस्पॉन्स है अब आपको समझ में आ रहा होगा ये रेस्पॉन्स कैसा है, ये रेस्पॉन्स है शॉर्ट लिव, ये रेस्पॉन्स है बच्चों शॉर्ट लिव, ठीक है, और बहुत जल्दी हो गया, तो ये रेस्पॉन्स हुआ बच्चों फास्ट रेस्पॉन्स, और इसके अंदर बच्चों सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट है ना, सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा आपका कैन, तो सेकेंडरी मैसेंजर रिक्वायर, ठीक है, तो ये जो रेस्पॉन्स है बच्चों शॉर्ट लिव्ड रेस्पॉन्स है बहुत कम टाइम के लिए, और फास्ट रेस्पॉन्स है बहुत जल्दी हो रहा है, और यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट थी जो है कैंप रिक्वायरमेंट। सिंपल सा मतलब है देखो कोई लोड नहीं लेना है, ये जो है फर्स्ट प्रोटीन हॉर्मोन है, ठीक है, प्रोटीनिशियस हॉर्मोन है, इसको क्रॉस कराना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो ये डायरेक्ट क्रॉस नहीं हो पाएगा, यहाँ पे होगा मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स, ये क्या है मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स, ठीक है, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर प्रेजेंट है। एड्रेनलिन जो है प्रोटीन हार्मोन, ये फर्स्ट मैसेंजर है, रेस्पॉन्स जनरेट हुआ क्या बना साइक्लिक एएमपी, ये है सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है, फिर होगा बायोकेमिकल रेस्पॉन्स, क्या होगा कैम क्या करेगा ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेगा ग्लूकोज के अंदर, ये ग्लूकोज जाएगा ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो ये काम कौन कर रहा है बच्चों प्रोटीन हार्मोन, जो अपन ने कौन सा लिया था यहाँ पे एड्रेनलिन, तो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहा है, मींस हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है बच्चों ये अपन ने लिया स्टेरॉइडल हार्मोन्स, क्या लिया अपन ने ये ईस्ट्रोजन, ठीक है,
ये क्रॉस कराएंगे अपन यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है, ये अपन क्रॉस कराए यहाँ पे तो डायरेक्ट क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर इसका रिसेप्टर क्या प्रेजेंट है बच्चों, साइटोप्लाज्म के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये मान लो रिसेप्टर है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, ठीक है। अब हार्मोन इसके साथ बाइंड कर गया, हार्मोन इसके साथ यहाँ पर बाइंड कर गया, ये हार्मोन है, ठीक है। अब इस पूरे को अपन क्या बोलेंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। भाई हार्मोन अंदर आया यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये बच्चों स्टेरॉयडल हार्मोन है, याद करो फर्स्ट लेक्चर में स्टेरॉयडल हार्मोन्स फैट सॉल्युबल होते हैं नेचर के अंदर, ये डायरेक्ट क्रॉस कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इनके रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होते हैं हार्मोन्स के, साइटोप्लाज्म में, उनको क्या बोला है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। अब हार्मोन इसके साथ बाइंड कर गया, ठीक है, उसको बोल दिया अपन ने हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये रहा देखो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स बच्चों एंटर करेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहां एंटर करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये एंटर करेगा बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एंटर किया है, ठीक है, देखो डायग्राम भी देखो, एंटर करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब ये वर्क करेगा डीएनए पे, कहां पर वर्क करेगा, वर्क ऑन डीएनए, ठीक है। डीएनए पे वर्क किया, डीएनए का क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, क्या बना एमआरएनए, एमआरएनए बना, ठीक है। अब एमआरएनए बच्चों क्या होगा, एमआरएनए के अंदर होगा ट्रांसलेशन, एमआरएनए का होगा ट्रांसलेशन, क्या बन गया प्रोटीन, क्या बन गया बच्चों प्रोटीन बन गया। अब प्रोटीन कैन बी एन एंजाइम, प्रोटीन कैन बी एन एंजाइम, वही चीज देखो डायग्राम पे देखो, क्या है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एंटर किया, डीएनए पे वर्क किया, ठीक है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, क्या बना एमआरएनए, लिख लो यहां पर एमआरएनए बना, एमआरएनए के अंदर ट्रांसलेशन के बाद क्या होगा प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन कैन बी एन एंजाइम, ठीक है बच्चों, प्रोटीन कैन बी एन एंजाइम, वही चीज यहां पर लिखी गई है पैराग्राफ के अंदर, रीड कर लेते हैं, चलो आ जाओ। हार्मोन इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, we do not enter target cells but generate secondary messengers cyclic AMP, IKT और calcium etc. secondary messenger की requirement थी protein hormones के अंदर, ठीक है, which in turn regulate cellular metabolism, first जो पहले figure समझी वो hormones जो enter करेंगे intracellular receptors से, मतलब steroidal hormones, steroidal hormones, ठीक है, iodothyronins, ठीक है, ये रहा iodothyronins, thyroid hormones जो होते हैं mostly regulate gene expression और chromosome function by the interaction of hormone receptor complex with the genome, human receptor complex कहाँ जाएगा nuclear membrane के अंदर, वहाँ पर क्या होगा फिर DNA पे वर्क होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या बनेगा mRNA, mRNA का ट्रांसलेशन होके बनेगा प्रोटीन, वही चीज यहाँ पर लिखी गई है देखो, cumulative biochemical actions results in physiological and development effects, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों फर्स्ट लाइन पे, जो अपने सबसे पहले पढ़ी थी उसके अंदर क्या था, देखो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और रेगुलेट कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन दी बॉडी, फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है बॉडी के अंदर उसको रेगुलेट कर रहे हैं न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके, समझ गए, तो कनेक्ट करना सीखो बच्चों चीजों को, बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर यही होता है, चीजों को कनेक्ट करोगे तो आराम से चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखो प्रोटीन हार्मोन और स्टेरॉयडल हार्मोन्स के अंदर जो भी मैकेनिज्म था हार्मोन एक्शंस का वो अपन ने देख लिया है, फिगर की हेल्प से भी अपन ने चीज समझ लिए, ठीक है। ये जो पीडीएफ है बच्चों ये आपको अवेलेबल हो जाएगी सोचिंग वेबसाइट पर, है ना। तो बच्चों अपना देखो एक चीज और अपन यहाँ पे छोड़ रहे हैं, देखो वो है क्या है, ये जो रेस्पॉन्स है बच्चों स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स का जो रेस्पॉन्स है वो होता है लॉन्ग लिव, देखो कितना टाइम लग रहा है ना यहाँ पर, लॉन्ग लिव रेस्पॉन्स है, ठीक है। और ये क्या है स्लो इन रेस्पॉन्स है, बहुत धीरे काम हो रहा है, स्लो इन रिएक्शन, ये अपन ने मिस कर दिया था, बट साथ में नोट डाउन कर लोगे तो डायग्राम के पास में नोट कर लोगे तो आराम से याद रहेगी, ठीक है। इसके अंदर बच्चों कोई सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो सेकेंडरी मैसेंजर, कोई सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और रिसेप्टर्स कौन से प्रेजेंट है, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेंगे स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स। तो ये बच्चों लिख लो, आई होप आपको ये अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, है ना। अब इस चैप्टर का बच्चों 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
कहाँ पर अवेलेबल है? Sochink.net, www.sochink.net, वहां पर बच्चों इस चैप्टर के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल है, वो आप अटेम्प्ट करो और पता चल जाएगा आपको कितनी आपकी कितनी प्रिपरेशन है इस चैप्टर के अंदर, है ना। तो बच्चों ये रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा आई होप, है ना। नेक्स्ट बच्चों अपन आएंगे न्यू चैप्टर के साथ, उसका रिविजन करेंगे सुपर फास्ट रिविजन सीरीज, है ना। तब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।